हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चक्र यूआई का कोर्स। ये कोर्स कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, सभी के लिए ये कोर्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाओगे चक्र यूआई पे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, फ्रेमवर्क गाइड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप के ऊपर आप क्लिक करोगे, npm पे का पैकेज अगर आपके पास है तो इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिए। यार्न का है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, PNP के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है। यहाँ पे आप जाएंगे, इसके ऊपर कंट्रोल भी कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा ही समय लेता है, इनफेक्ट थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लेता है, करीबन 2 मिनट का हो सकता है आपका समय निकाल ले, लेकिन इतना समय तो होगा जीवन में, आप दे सकते हैं इसको। तो उस समय को देने के बाद अपन मिलते हैं ना। बेसिक सेटअप अपना कंप्लीट हो चुका है, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को यहाँ पे सबसे पहले अपने को CD माई ऐप, इसके बाद NPM स्टार्ट। अगर आप NPM स्टार्ट इस तरीके से कर दोगे तो अपना जो ऐप है वो अपना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बेसिक इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का अभी थोड़ी देर में आके दिख जाएगा, किस प्रकार का इंटरफेस आता है, बहुत ही ईजी टू यूज आता है। लेकिन उसके पहले अपन जाते हैं चक्र UI। थोड़ा सा अगर नीचे आओगे ना तो यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन वो सब छोड़ो, यहाँ पे चक्र प्रोवाइडर ये सारी चीज़ें अपन को सेटअप करना है। तो बेसिक पहले यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी चलते हैं माई ऐप, या अभी इसको बंद कर देते हैं टर्मिनल को। सोर्स के अंदर index.js मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, इस चक्र प्रोवाइडर को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर कलर मोड स्क्रिप्ट आपको पहले से मिल चुकी है, यहाँ पर आपको चक्र प्रोवाइडर लगा देना है, इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है, ओके। तो इतना तो आपने अप्लाई कर दिया है, बस इतना आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो इसकी app.js फाइल है इसके अंदर जाना है। अब इनमें से किसको आपको रखना है, किसको आपको नहीं रखना है, ये सब पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बिल्कुल डिटेल में एक एक करके चीज़ें आपको समझानी है। तो अभी कुछ इस प्रकार से अपन को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बॉक्स एलिमेंट से अवगत कराता हूँ। इम्पोर्ट बॉक्स एलिमेंट, बॉक्स फ्रॉम कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए चक्र UI रिएक्ट में से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉक्स बॉक्स, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं अरेंज कर दूँगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट ऑफ चक्रा UI ट्यूटोरियल, ये चीज़ आपको मालूम है, यहाँ पे आपको दिखाई देगी कंटेंट ऑफ चक्रा UI ट्यूटोरियल। अब सबसे पहले अपन देखते हैं मार्जिन और पैडिंग कैसे अपन अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। मतलब सबसे पहले अपन CSS देखेंगे, बेसिक CSS किस तरीके से लगाई जाती है, उसके बाद अपन कंपोनेंट देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके अंदर, किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो मार्जिन पैडिंग की बात करें तो AM आप जैसे ही लिखोगे ना तो आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस तरीके से अगर आप दे दोगे AM2 तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मार्जिन 2 यहाँ पर मुझे देना है। आप जितना जाना चाहो चारों तरफ से आप मार्जिन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको मार्जिन अगर डायरेक्ट लिखना है आप इस तरीके से मार्जिन आप लिख सकते हो, मार्जिन ब्लॉक एंड, ये सारी चीज़ें आपको सजेशन के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। मार्जिन का आपको समझ में आ गया। इसके बाद पैडिंग, जिस तरीके से आप पी लिखोगे, आप पी के लिखते ही आप यहाँ पर कुछ भी पैडिंग आप अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से आप इसके अंदर पैडिंग भी दे सकते हो। और पैडिंग के अंदर भी बिल्कुल मार्जिन की तरह ही, पैडिंग के अंदर भी बहुत सारे आपको सजेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, पैडिंग ब्लॉक एंड, पैलिंग इनलाइन, ये सारी चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत होगी ना, जिस वेबसाइट को जब आप बनाएंगे उस समय जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज करनी है। इसके बाद बात आती है कलर बैकग्राउंड की। कलर आप नॉर्मली इस तरीके से लिखोगे, आपको जो भी कलर देना है आपको इसके अंदर लिखिए एक सिंगल कोट के अंदर। जैसे मुझे यहाँ पे ग्रे के अंदर देना है तो मैं ग्रे यहाँ पे 500 कर दूंगा तो मेरा ये वाला कलर अपना अप्लाई हो जाएगा। जहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर की बात आती है, BG लिख के आप कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर लिख के भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी BG अगर लिख के कर दें तो इसको भी आप इस तरीके से दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे
ब्लैक दे सकता हूँ, तो मैं अगर मैं इसको ब्लैक दे दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ इस तरीके से अपन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बैकग्राउंड कलर किस तरीके से देना है और कलर किस तरीके से देना है। इसके बाद बात आती है ग्रेडियंट कलर की। तो ग्रेडियंट कलर अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे बीजी ग्रेडियंट लिख देंगे, और बीजी ग्रेडियंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जैसे लीनियर देना चाहते हैं, दो तरीके से कलर आप दे सकते हैं। सबसे पहला आप देते हैं यहाँ पे लीनियर कलर, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लीनियर यहाँ पे इस फंक्शन को अपन कॉल कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप बताते हैं कि किस तरीके से आपको कलर देना है, मतलब किस डायरेक्शन के अंदर आपको कलर देना है। तो जैसे अगर मुझे देना है कि मुझे टॉप से बॉटम की तरफ कोई कलर देना है या टॉप से राइट की तरफ, तो मैं यहाँ पे 2R कर दूंगा। R यहाँ पे इंडिकेट करता है राइट को, लेफ्ट L इंडिकेट करेगा लेफ्ट को, B इंडिकेट करेगा बॉटम को, और T इंडिकेट करता है टॉप को। अभी समझा दूंगा आपको। जैसे मैंने इसको कर दिया ग्रीन और इसको कर दिया पिंक, या फिर मैं ग्रीन का इस तरीके से ले लेता हूँ। ये वाला कलर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी बाई डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि ये राइट की तरफ आपने किया है। अगर आप मैं इसको लेफ्ट कर दोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया पिंक और यहाँ पे हो गया ग्रीन। आप इसको अगर टॉप कर दोगे, मतलब टी लिख दोगे, तो टॉप हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा पिंक, नीचे हो जाएगा ग्रीन। अगर आप इसको बॉटम कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा ग्रीन, नीचे हो जाएगा पिंक। इस तरीके से आप इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके आप इजीली पता कर सकते हो। टी आर करने से टॉप राइट हो जाता है, टी एल करने से टॉप लेफ्ट हो जाएगा, टी बी करने से टॉप तो बॉटम नहीं, मतलब यहाँ पे टी बी की जगह आपको बी आर करना पड़ेगा, बी आर तो बॉटम राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे मतलब थोड़े से चेंजेस करके आप इसके अंदर कर सकते हो। दूसरा तरीका जो इसके अंदर होता है वो होता है रेडियल। आप यहाँ पे रेडियल इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन रेडियल के अंदर आप डायरेक्शन नहीं दे सकते किस डायरेक्शन में जाना है। अप्लाई ज़रूर कर सकते हो लेकिन रेडियल मतलब डायरेक्शन नहीं बता सकते आप कि किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। ठीक है, अब ग्रेडियंट हो गया। अब बात आती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं अपनी, हटा देते हैं पहले इसको मैं, एक होता है अपना फॉन्ट फैमिली होता है। तो फॉन्ट फैमिली आप जैसे कर्सिव अगर आप देना चाहते हो तो आपने यहाँ पे कर्सिव दे दिया, तो जैसे ही आप इसको कर्सिव दोगे इसका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। फॉन्ट साइज आप लगा सकते हैं, आपने यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज लगाना है, फॉन्ट साइज अगर आपने 32 कर दिया तो ये 32 अपना अप्लाई होकर कुछ बड़ा कर देगा। तो कहने वाला भैया जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप फॉन्ट लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, जितनी भी इसकी टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लाइन हाइट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, लाइन हाइट आप दे सकते हैं। आपने जैसे इसको 12 दे दिया तो इसके नीचे वाली अगर जो लाइन होगी उसके अंदर स्पेस आ जाएगी थोड़ी सी इस वाले के, इसको मैं हटा देता हूँ। आप देखेंगे कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, और अगर मैं लाइन हाइट को हटा दूँगा तो अपनी जो स्पेस है वो चली जाएगी। तो अपन इस तरीके से लाइन हाइट सेट कर सकते हैं, कितना इसको लाइन हाइट देना। लेटर स्पेसिंग उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है, आप लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं कि अपना जो वर्ड है इनके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको यूज कर मतलब यूज केस यूज होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप ऑटोमेटिक इसको सीखते जाएंगे। फिर बात करते हैं विड्थ और हाइट के बारे में। विड्थ और हाइट भी बिल्कुल इसी तरीके से आप इसके अंदर दे सकते हो। विड्थ अगर आपको देनी है W लिख दो, और इसके अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे आपको देना है 500 पिक्सल देना है, इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से कर दोगे तो यहाँ पे 500 पिक्सल है, लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको मालूम है कि आपको बॉर्डर या बैकग्राउंड देना पड़ता है। बॉर्डर भी आप बहुत ही ईजिली आप दे सकते हो। आपको बॉर्डर के लिए भी केवल आपको बॉर्डर लिखना है, और बॉर्डर लिखने के बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि जैसे मुझे 8 पिक्सल का देना। 8 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो इस प्रकार से अपन को दिखाई देगा 500 पिक्सल बिड्थ दे दी इसकी। अगर मैंने 800 पिक्सल दे दी है तो कुछ इस तरीके से अपना दिखाई देगा। ठीक है, हाइट भी अपन बिल्कुल सेम तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से आप कर देंगे। सिंगल कोट के अंदर देना, और 400 पिक्सल अगर मैं कर दूंगा इसको, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से अपना दिखाई देने लगा। बिड्थ और हाइट भी आपने देख लिया। इसी तरीके से आप मिन बिड्थ दे सकते हैं, अगर आपको मिन बिड्थ देना है इस तरीके से। मिन बिड्थ दो तरीके होते हैं, आपको दोनों अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। मिन हाइट अगर आपको देना है इस तरीके से, मिन हाइट आप दे सकते हो। तो और मैक्स देना है तो आप मैक्स इस तरीके से, मैक्स बिड्थ, और मैक्स हाइट देना है तो मैक्स हाइट भी आप इस तरीके से दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल गई। ठीक है, बॉर्डर हो गया अपना, बिड्थ और हाइट हो गया। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर आपको बता सकते हैं आप
कि किस पॉइंट मतलब किस विड्थ पे आपको कौन सा कंटेंट आपको दिखाना है। जैसे आप कोई कंटेंट ऐसा हो सकता है कि जिसको आपको लैपटॉप पे तो दिखाना है लेकिन आपको मोबाइल पे नहीं दिखाना है, कोई कंटेंट ऐसा हो सकता है कि आपको मोबाइल पे दिखाना है लेकिन आपको लैपटॉप में नहीं दिखाना है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी जब आपको अप्लाई करनी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिख दूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे नन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे नन अगर मैंने लिख दिया तो आपको मालूम है ये वाला कंटेंट आपको नहीं दिखाई देगा। तो अभी केवल अपने पेज के ऊपर दो में से केवल एक कंटेंट अपन को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक कंटेंट को आपने क्या कर दिया, नन कर दिया है। तो नन आप कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ब्लॉक नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे ब्लॉक दे सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले, इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अगर इस तरीके से हटा दूँ, इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे सजेशन मिल जाएगा, इनलाइन क्रिएट, इनलाइन फ्लैक्स, इनलाइन, जो जितने भी मतलब ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको ईजिली देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी थी जो अपन यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं चक्रा UI के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे अपने पास यहाँ पर दो बॉक्स हैं इस समय और दोनों बैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। तो अगर मैं पहले यहाँ से बिट हटा देता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने जो बॉक्स हैं वो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको फ्लेक्स करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से फ्लेक्स दे सकते हो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे तो वो भी आपका काम करेगा, बस आपको क्या करना है यहाँ पर फ्लेक्स को इम्पोर्ट करना है और इम्पोर्ट करते ही अपना जो फ्लॉक जो कंटेंट है वो फ्लेक्स के बे में आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से करना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखो, लिख सकते हो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्लेक्स लिख दोगे तो वो भी आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और फ्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो सारी प्रॉपर्टी आपकी इस फ्लेक्स नाम के कंटेनर के अंदर बिल्कुल ईजिली अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्शन दे सकते हो, तो डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर कॉलम दोगे इस तरीके से तो अपना जो कंटेंट है ये डायरेक्शन ए वाला नहीं देना था, अपने को डायरेक्शन ए वाला देना था। तो अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंटेंट अपना एक दूसरे के नीचे एक बार फिर से दिखाई देने लगेगा, यानी कि आप फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये अपना फ्लेक्स हो गया। बिल्कुल उसी सेम तरीके से अपने पास होता है ग्रिड, कोई कंटेंट अगर आपको चाहिए ग्रिड के अंदर दिखाई दे तो आप इस तरीके से ग्रिड का यूज कर सकते हो, ग्रिड, और यहाँ पे आपको फ्लेक्स की जगह पे ग्रिड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रिड आइटम बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, ग्रिड का आपको मालूम है बाय डिफॉल्ट अपना कैसा रहता है, ये अपना कंटेंट जो है वो एक दूसरे के नीचे ही शो कराता है। सीधी बात है कि आप फ्लेक्स की जितनी प्रॉपर्टी हैं, ग्रिड की जितनी प्रॉपर्टी हैं, वो इस प्रकार के ग्रिड नाम के कंपोनेंट के अंदर ही आप अप्लाई करते हो, और जो अभी ग्रिड आइटम आपने देखा था वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। अब बात करते हैं बॉर्डर रेडियस के बारे में, इसके अंदर अपन बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको बॉर्डर रेडियस, तो अगर मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 2 कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं इसको 8 करता हूँ तो अभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि कितना ईजिली अपना जो बॉर्डर रेडियस अपन ने अप्लाई कर लिया। और बॉर्डर रेडियस आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का होता है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर, इसके बाद अगर मैं टी लिख दूं तो यहाँ पे बॉर्डर टॉप कलर, टॉप एंड रेडियस, टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप रेडियस, इस तरीके के ऑप्शन अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप जैसे ही ओवर करोगे आपको ऑटोमेटिक सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन अगर आपको किसी को देना है तो आप जैसे इसको देना है मुझे यहाँ पर, तो POS केवल POS लिखने से ही पोजीशन आप दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से दे दूँगा तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ रिलेटिव, तो मैं यहाँ पर रिलेटिव कर दूँगा, रिलेटिव होते ही अपना ये फ्री हो जाएगा। अब इस वाले को अगर आप पोजीशन दे दोगे, क्या पोजीशन आप दे दो एब्सोल्यूट, तो अगर आप एब्सोल्यूट दे दोगे तो आपको मालूम है पेरेंट से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को अप्लाई आप कर सकते हो। इसके बाद बात आती है शेडो की, कि बॉक्स के ऊपर शेडो देनी है तो किस तरीके से आप दे सकते हो। जैसे ए वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर कोई शेडो अगर आपको लगानी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो बॉक्स शेडो, यहाँ पे आपने फिर देना है कि मुझे एक पिक्सल की शेडो देनी है, ठीक है। तो और इसके बाद आप यहाँ पे कलर बता सकते हो कि जैसे मुझे रेड कलर की देनी है तो मैं यहाँ पे रेड कलर की लिख दूंगा,
आप यहाँ पे देखेंगे पीछे अपने जो बॉक्स है उसके पीछे शेडो इस तरीके से हो चुकी है। इसको अगर थोड़ा सा वो करना है तो 4 पिक्सल अगर आप कर दोगे इस, अच्छा ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली है, इसको करना पड़ेगा 4 पिक्सल, इसको अपन करते हैं 1 पिक्सल। अगर आप इसको कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने पीछे जो है वो कितना अपने बॉक्स शेडो आपने दी हुई है, कुछ कलर की दी हुई है आपको। आप यहाँ पे आप 3 कर सकते हो, मतलब जो जो भी जितने भी कलर होते हैं वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सीधी बात है। तो बॉक्स शेडो भी आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से होता है टेक्स्ट शेडो, आप यहाँ पे टेक्स्ट शेडो भी दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे टेक्स्ट शेडो मुझे यहाँ पे देनी है तो आप इस तरीके से दोगे। जिस जो तरीका ऊपर था बिल्कुल सेम तरीका यहाँ पे है, जैसे मुझे यहाँ पे रेड ही देनी है तो मैं यहाँ पे रेड ही दे दूँगा इस तरीके से। इसका भी आप जो टेक्स्ट है उसकी शेडो आप देख सकते हैं, इस कलर की हो गई ये रेड कलर की। तो बॉक्स शेडो टेक्स्ट शेडो नाम की प्रॉपर्टी होते हैं जिसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर के बारे में, इसको हटा देते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप फिल्टर ऑटो कर दोगे ना, फिल्टर ऑटो और इसके फिल्टर ऑटो अगर आप एक बार कर दोगे तो इसके बाद आप जो प्रॉपर्टी होती हैं उन प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे ब्लर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जैसे आपको ब्लर करना है 3 पिक्सल का, तो आपने यहाँ पे जो कंटेंट है इसको आप देखो ब्लर कर दिया आपने। तो इस प्रकार से आप जो ब्लर होता है, ब्राइटनेस होता है, इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ब्राइटनेस, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें आप एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आपको किसी के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, किसी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको डिफरेंस आप समझ नहीं पाते हैं कि इनके बीच में पहले और बाद में क्या डिफरेंस था। लेकिन जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाते हैं वैसे वैसे आपको समझ में आ जाता है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सूडो क्लासेस होती हैं उन सूडो क्लास को किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे होवर एक क्लास होती है, उस होवर को अपन को अगर चक्र यूआई के अंदर यूज करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लगाएंगे और आप यहाँ पे एच लिखोगे, ऑटोमेटिक जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे होवर अगर मुझे करना है तो होवर करने पर मैं क्या चाहता हूँ, होवर करने पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि अपना जो कंटेंट है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट देना है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैं इसको दे देता हूँ क्या, ब्लू दे देता हूँ। होवर करने पे मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लू करना है, तो अगर मैं इसको होवर करूँगा इसका देखो बैकग्राउंड पूरी तरीके से ब्लू हो चुका है। तो मतलब जो भी प्रॉपर्टी है आपको बस इस तरीके से पहले अंडरस्कोर नीचे की तरफ लगाना है और जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो वो ईजिली अपन क्या कर सकते हैं, सूडो क्लासेस जितनी भी सूडो क्लासेस हैं उनको अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज प्रॉप की। एज प्रॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉप होता है अपने पूरे चक्र यूआई के अंदर। जैसे इस वाले प्रॉप को अगर आपको एच वन बनाना है तो आप क्या करेंगे, एज लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे आप इस तरीके से एच वन, तो अपना जो कंटेंट है ये जो बॉक्स एलिमेंट है वो बॉक्स एलिमेंट अपना एच वन जो हेडिंग होती है ना उस हेडिंग की तरह अपना बिहेव करना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे देखेंगे अपना जो कंटेंट है वो एच वन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको पहले इसको हटा देते हैं, मैं इस बॉर्डर को भी हटा देता हूँ, एज इक्वल टू एच वन, उसको मैं रीलोड कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कंटेंट अपना एच वन का क्यों नहीं बनना है, क्योंकि एज प्रॉप अपने को हेल्प करता है एच वन का कंटेंट, मतलब किसी भी प्रकार का आपको कंटेंट सेट करने में। तो अगर आप यहाँ पे एज प्रॉप दोगे तो इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो। तो अभी ये इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है। ये चीज़ मैंने चक्र यूआई के अंदर बहुत अच्छे से नोटिस कर ली है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको आती नहीं है या फिर वो काम नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं होता है। बस क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपके साथ धोखा हो जाएगा कि आप जिस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो उस तरीके से वो अप्लाई नहीं होंगी। जैसे मैं अगर इसको हटा दूँ, शायद मे भी टाइपोग्राफी का यूज करने की वजह से आपका कभी कभी काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं कि जिनकी मदद से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ की जो मेरा जो कंटेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ काम दे रहा है। तो इसको मैं ग्रिड को हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ग्रिड के अंदर मुझे नहीं रखना है, नॉर्मल बॉक्स बनाना है। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से अपना कंटेंट अभी दिखाई दे रहा है। नॉर्मली वैसे यहाँ पे एच वन की जगह पैराग्राफ ए टैग कर सकते हो स्पेशली, तो ए टैग अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे ओवर करने पे वो चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना,
यहाँ पे स्टाइल सिस्टम के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे एज प्रॉप अपने को देखने के लिए मिलता है। जैसे बटन के ऊपर आप होवर करने पे इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने लगाया है ना, बिल्कुल इस तरीके से अपना एक काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना कि अपना जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो आपका कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा स्लो काम करे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। बात करते हैं अपन कलर मोड के बारे में। जब भी आप किसी भी वेबसाइट के साथ आप काम करते हैं तो कलर मोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है वहाँ पे, क्योंकि आप जब भी आप कलर मोड मतलब जो आपकी थीम है अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको थीम आपको दिखाई दे रही है सामने वो आपको वाइट कलर की दिखाई दे रही है। आपने कई बार देखा होगा कि अपनी जो थीम है वो चेंज की जाती है, आप केवल एक क्लिक के ऊपर क्या कर देते हैं पूरी थीम को चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। तो इस प्रकार की थीम आपको जब बनानी होती है तो किस तरीके से इस प्रकार की थीम आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही इसका जाना सिंपल तरीका होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले, तो इसके अंदर से आपको लेना है यूज कलर मोड। अगर आप यहाँ पे यूज कलर मोड यहाँ पे इस तरीके से इसको इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कॉन्स्ट कलर मोड नाम से यहाँ पे वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल आप बना लीजिएगा टॉगल कलर मोड नाम से अपने एक दूसरा वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया। इसकी सी को मैं एक बार कैपिटल कर देता हूँ और अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज कलर मोड का अपन यूज करेंगे। तो यूज कलर मोड इस फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अपने पास बॉक्स है, चलो इस बॉक्स को अभी हटा लेते हैं, एक काम करते हैं एक बटन के ऊपर इसको रखता हूँ मैं, या फिर हेडर नाम का एक कंपोनेंट ले लेते हैं अपन हेडर। तो इस हेडर नाम के कंपोनेंट के अंदर आप क्या करेंगे एक बटन नाम का एक ले लेते हैं, बटन आपको मिल जाएगा चक्रा यूआई से, और इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे इसी की ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे अपन जो टॉगल कलर मोड है ना इस टॉगल कलर मोड का अपन ले लेंगे, मतलब अपन एक्टिव करा देंगे। और इसके ऊपर अपन को क्या करना है, इसको अपन को टॉगल कराना है। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि अगर जो अपना कलर मोड है, अगर कलर मोड बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, अगर तो है लाइट, इसके अंदर आपको इस तरीके से देना है, इस तरीके से अगर कलर मोड अपना लाइट है तो आप क्या कर दो, तो आप इसके अंदर कर दो डार्क, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसके अंदर क्या कर दो, आप इसके अंदर कर दो लाइट। कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगानी है। बटन बटन के ऊपर ऑन क्लिक, इस तरीके से टॉगल कलर मोड लाइट और डार्क लाइट इस तरीके से आपको सेट कर देना है। तो आइए चलते हैं अपने यहाँ पे टॉगल कलर मोड लाइट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है अपने से, हाँ गड़बड़ ये हुई है कि अपन ने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया है, इसको आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना था, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देखो पूरा ब्लैक कलर का हो गया है। दोबारा से क्लिक किया लाइट में हो गया लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना ईजिली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप जो थीम होता है उस थीम को आप ईजिली आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट की थीम है वहाँ पे आप, अभी मैंने यहाँ पे बटन लगाया है, उस बटन के अंदर आप कोई आइकन भी आप लगा सकते हैं। ये अभी जैसे जैसे आप कोर्स के अंदर आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम चलता जाएगा। तो यहाँ से आपको चक्रा यूआई को सीखने का मज़ा दोगुना होने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है चक्रा यूआई को सीखने में। तो अभी इन सब चीज़ों को अपन हटाते हैं, यहाँ से हेडर हेडर को, यहाँ से इस यूज कलर मोड बटन ग्रिड इन सबको भी हटा लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले अपन को इंस्टॉल करना है, देखो अभी अपन जो शुरू करने वाले हैं वो है कंपोनेंट, कि चक्रा यूआई के अंदर किस किस प्रकार के कंपोनेंट हैं, किस तरीके से उनको यूज करना है। तो वो सारी चीज़ें अभी अपन इजीली समझने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन समझते हैं एस्पेक्ट रेशियो को। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक सजेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब एस्पेक्ट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी इमेज वगैरह या वीडियो के साथ आप काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपने एस्पेक्ट रेशियो को इस तरीके से खोलना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इमेज लगा देना, इमेज आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इमेज को भी ले सकते हैं, इमेज इमेज के अंदर आपको SRC देना होता है कुछ ना कुछ, तो आप इमेज के अंदर कोई भी ना कोई ना कोई आप SRC यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इमेज देता हूँ, इमेज का कंपोनेंट यहाँ पर पास करता हूँ। तो यहाँ पे एक इमेज मैंने पास कर दी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट मैंने दिया हुआ है और अल्ट आपको मालूम है किस लिए होता है। अब अगर आप इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो अभी देखो अपना पूरा ये दिखाई दे रहा है, मतलब जो इमेज है इसने अपने पूरे पेज को कवर कर लिया है, जितना पेज अपना है वेबसाइट वाला पूरा पेज इसने कवर कर लिया। अब एस्पेक्ट रेशियो आपका किस चीज़ में मदद करता है, आपने यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर केवल लिखना है रेशियो, और रेशियो लिखने के बाद आपको यहाँ पर 4:3 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पर,
तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4x3 लिखता हूँ, आप यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट जो है आपको विड्थ के बाद ही दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ पे विड्थ दे दी, आपने यहाँ पे विड्थ कुछ मेंशन कर दी, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में यहाँ पे कर देता हूँ कितना 400 पिक्सल। तो अगर मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल यहाँ पे लिख दिया और रेशियो 4x3 कर दिया, तो अपना जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी आपने जो यहाँ पे देखा ना कि अभी आपनी जो थीम है वो अभी डार्क कलर की हो गई है। अभी क्यों हो गई है आपको इस बारे में थोड़ा बताता हूँ। अपनी थीम डार्क कलर की इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट में आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे, मेमोरी एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे जो लोकल स्टोरेज होता है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज को अगर आप खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको, अच्छा पेपल वाला छोड़ दो, अभी चक्रा यूआई का जो कलर मोड है ना वो यहाँ पे अभी डार्क हो रखा है। तो अगर इसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अगर केवल लाइट कर दोगे ना, लाइट करके इंटर दबा दोगे और यहाँ पे आ जाओगे, इसको मैं अगर रीलोड कर दूँ तो अपना जो देखो लाइट हो गया। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी टॉगल थीम डार्क मोड का यूज करते हो, जब तक आप वो फंक्शन या कंपोनेंट यूज कर रहे हो जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ही उस कंपोनेंट के बाहर आते हो, जिस समय आपने उसको बंद किया, उस समय जो थीम उसकी थी वो थीम क्या होती है, लोकल स्टोरेज के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है अपना थीम जो है वो डार्क मोड पर रह के रह जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है अपना एस्पेक्ट रेशियो अपन क्या कर सकते हैं, 4x3 अपन ने यहाँ पे किया, अब मैं इसको करता हूँ 2x3, और रेशियो अगर मैं 2x3 करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी इमेज जो है कितनी बड़ी हो चुकी है। 3x3 करूँगा तो यहाँ पे आपको मालूम है स्क्वायर वाला साइज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे 6x3 करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो केवल आपको यहाँ पे, अब आपको कोई पिक्सल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट एस्पेक्ट रेशियो मेंशन करके यहाँ पे काम अपना निकाल सकते हैं, जो आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एस्पेक्ट रेशियो आपने समझ लिया। दूसरा, इसके अंदर बॉक्स कंपोनेंट जो आप बहुत देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे बॉक्स भी क्या है, इसका प्री डिफाइन एक कंपोनेंट है जिसकी मदद से अपन बहुत सारे रिस्पॉन्सिव लेआउट अपन बना सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक डेमो निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो अभी तक अपन CSS की प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, तो उन सब प्रॉपर्टी को अगर आपको लगाना है तो उसका एक दूसरा तरीका भी है। जैसे मैं यहाँ पे एक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा हूँ, इस जगह पे मैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने प्रॉपर्टी नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे इमेज का URL है, इमेज अगर URL कैच नहीं करता है तो ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पे बैट्स नाम से वेरिएबल जिसके अंदर 3 टाइटल यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेट का प्राइस, और रिव्यू कॉन्ट 34, और यहाँ पे रेटिंग यहाँ पे 4 दी गई है। ठीक है, तो मान के चलो एक पूरे जो अपना जैसे Airbnb होता ना, जहाँ पे अपन ऑर्डर बुक करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें अपन को देखने के लिए मिलती हैं। अब इसी चीज़ का बॉक्स का यूज करके अपन कितना ईजिली अपन परफॉर्म कर सकते हैं, उसका मैं यहाँ पर आपको नज़ारा शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे एक बॉक्स नाम का कंपोनेंट, इस बॉक्स नाम के कंपोनेंट को खोलेंगे। यहाँ पे आप कुछ इसके अंदर मैक्स विड्थ दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ SM, और जो मैंने आपको ब्रेक पॉइंट दिखाई थी ना, वहीं से मैं इन सब चीज़ों को दे रहा हूँ। और यहाँ पर बॉर्डर विड्थ अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से दूँगा, तो बॉर्डर विड्थ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 पिक्सल, और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस अपन कर देंगे LG, जिससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा अपना बॉक्स के ऊपर स्टंप आ जाएगा। इसके बाद ओवरफ्लो, अगर कोई कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको अपन क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। ये मान के चलिए ये अपना छोटा सा अभी एक प्रोजेक्ट होने वाला है आज, मतलब कंपोनेंट क्या है ना, कंपोनेंट आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जिसकी मदद से आपकी डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब इमेज टैग आप लगाएंगे यहाँ पर इमेज, अब इमेज के अंदर जो SRC देना है, SRC आप कहाँ से देंगे, SRC आपको देना है जो आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की है ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नाम का वेरिएबल यहाँ पे लगाया है, इसके अंदर से आपको इमेज URL देना है। तो अपन यहाँ पे इस इमेज URL को यहाँ पे पास कर देंगे, और अल्ट के अंदर क्या कर देंगे, अल्ट के अंदर आप यहाँ पे जो आपके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के अंदर जो इमेज ऑल्ट था वो यहाँ पे आपने दे देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये अपना इमेज का URL और ये सारी चीज़ें अपन ने सेट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स और खोलना है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स और खोलता हूँ।
इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, पैडिंग देना। पैडिंग क्यों देना है, पैडिंग इसलिए देना है क्योंकि वहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। थोड़ा आप जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होने वाली हैं। तो अभी आप देखेंगे तो अभी तो केवल इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको बॉर्डर देने से कितना ज़्यादा इफेक्ट इसका बेटर हो गया है। थोड़ा सा और अभी रुकिए, मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा कितना ज़्यादा यूजफुल ये चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी बैच नाम का कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे बैच जो आपको चक्र यूआई के अंदर मिल जाता है, तो अगर आप जैसे यहाँ पे करेंगे बैच यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा। अब बैच के अंदर आपको क्या करना है, बैच के अंदर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देनी है। बैच से पहले भी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले एक और बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर मैं क्या कर दूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा। अब डिस्प्ले फ्लेक्स आप जब भी देते हैं, जब आपको क्या करना होता है चीज़ों को इनलाइन आपको अरेंज करना होता है, तब आप क्या करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स आप यहाँ पे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स में अपन क्या कर देंगे इसको बेस लाइन, इसको बेस लाइन इस तरीके से लगा देंगे। और जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर बैज आ जाएगा अपना, और इस बैज के अंदर मैं यहाँ पर न्यू नाम का यहाँ पर दे दूँगा। कुछ चीज़ें अपने को यहाँ पर मैंसन करनी है, जैसे मैं इसके अंदर दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे अगर फुल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 100% अपना लग जाएगा। पी एक्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, और जो कलर स्कीम है इस कलर स्कीम को मैं अभी दे देता हूँ टील। तो अगर इस तरीके से करूँगा तो अभी आप ये देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बैज है ना, जो अभी आपने बैज का यूज किया, इस बैज की मदद से आपको न्यू देखो किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, कि आपका जो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक, कई बार आपने देखा होगा कि किसी यूजर या किस ऐसी जगह पे आपको देखने के लिए मिलता होगा कि एक महीने पहले इस बंदे ने अकाउंट बनाया था, या फिर एक महीने, मतलब जब भी आप जैसे लिंक्डइन पे देखते हैं तो लिंक्डइन पे आपने कई बार देखा होगा कि बिल्कुल लेटेस्ट जॉब आपको चाहिए तो वहाँ पर लिखा रहता है लेटेस्ट। कोई अलग जैसे आपने वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट होंगी जहाँ पर आपने इस प्रकार की चीज़ों को यूज करते हुए देखा होगा। अभी थोड़ा और इसको करते हैं तब आपको और थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स और खोलता हूँ मैं, यहाँ पर बॉक्स कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, बस आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना आना चाहिए। इस बॉक्स का थोड़ा सा कलर देते हैं, इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ ग्रे .500, और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से देंगे इसको फॉन्ट वेट, इसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ सेमी बोल्ड, और इसके बाद इसके अंदर लेटर स्पेसिंग, तो लेटर स्पेसिंग इसके अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक, यहाँ पे ये चीज़ होती है बाइड, इस बाइड को अपन यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज अपन इसका कर देंगे एक्सेस, छोटा रखना है इसको, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पर कर दूँगा अपर केस, तो इसको इस तरीके से। इसके बाद ML यानी कि मार्जिन लेफ्ट, इसको अपन कर देंगे 2। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट अपने को शो कराना है, कंटेंट क्या रहेगा, कंटेंट अपने पास जो प्रॉपर्टी थी ना, जो प्रॉपर्टी अपन ने यूज किया था, प्रॉपर्टी के अंदर जो बेड हैं, इन बेड्स को अपन को यहाँ पे शो करा देना है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बेड्स एंड बुल, और इस तरीके से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रहेगी अपने पास, प्रॉपर्टी के अंदर अपने को यहाँ पर बाथ्स कर शो करा देना है, और यहाँ पर बाथ्स लिख देना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अरेंजमेंट हो चुका है। अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है बेड एंड बुल, और यहाँ पे 2 बात, तो बुल को अभी यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने इस तरीके से सेट कर दिया है, अब क्या कर देना, अब इसके नीचे आके, इसके नीचे आके क्या करना है, एक और बॉक्स में यहाँ पर अरेंज कर दूँ। केवल बॉक्स की इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता हूँ कि जो अगर केवल बॉक्स का यूज करके कितने अच्छी अच्छी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन टॉप दे देना है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है, इसका जो फॉन्ट वेट है, इसको भी अपन क्या करते हैं सेमी बोल्ड कर देते हैं। और इसको अपन क्या करना चाहते हैं, जो मैंने एच प्रॉप बताया था ना उसकी जगह यहाँ पे एच फोर की जगह, मतलब एच फोर के जैसा अपन इस बॉक्स को यूज करना चाहते हैं। तो अब इसके बाद लाइन हाइट, और लाइन हाइट के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके लाइन हाइट, और यहाँ पर इसकी TIGHT आप यहाँ पर टाइट दे सकते हो। और इसके बाद नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे होता है, तो नंबर ऑफ लाइंस आपने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक, इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको
जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अंदर जो टाइटल है उस टाइटल को अपने को लगा देना है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अभी किस तरीके से दिखाई देगा इसको देखते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो बिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक जो कंपोनेंट होता है ना, वो कंपोनेंट अपना धीरे धीरे अपना बिल्ड हो रहा है। तो अभी आप इसको महसूस कर सकते हैं किस तरीके से पूरा जो बॉक्स है वो कितना, मतलब एक डिजाइनदार बॉक्स आप इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन एक और बॉक्स खोलते हैं, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल बॉक्स किस तरीके से लगाते जा रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में अगर लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। प्रॉपर्टी के अंदर जो फॉर्मेटेड प्राइस थे उसको अपन ने यहाँ पर शो करा लिया, इसी बॉक्स के अंदर सब कुछ चल रहा है, इमेज और ये सारी चीज़ें कितनी ईजिली अपनी अरेंज होती चली जा रही हैं एक दूसरे के साथ। आप मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग परफॉर्म नहीं करनी पड़ रही है, बिल्कुल ईजिली आप यहाँ पे करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स और खोलता हूँ मैं, इस बॉक्स को मैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ही मैं एक बॉक्स और लगा देता हूँ, और इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर इसको यूज करना है अपने को यहाँ पर, इसको स्पेन टैग की जाए, स्पेन टैग जैसा इसको मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। तो मुझे स्पेन टैग जैसा यूज करना है, इसका जो कलर है वो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे ग्रे और ग्रे डॉट 600। इसका जो फॉन्ट साइज है उसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसको SM। इसके बाद इसके अंदर कुछ जाना नहीं देना अपने को यहाँ पे WK, और अपना जो कंपोनेंट है वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब आपने केवल बॉक्स बॉक्स कंपोनेंट का यूज करके और थोड़ी सी जो स्टाइलिंग जो अभी है थोड़ी देर पहले आपने सीखी थी उस स्टाइलिंग का यूज करके आपने इस बढ़िया शानदार लुकिंग बॉक्स बना लिया। अब जो अपना चक्रा UI है ना, वो सबसे बेस्ट जिस आइकन को सपोर्ट करता है वो है रिएक्ट आइकन। रिएक्ट आइकन का जितनी भी यहाँ पे पैकेज, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो इजीली अपने सपोर्ट करता है, कौन वो अपना करता है गेट, मतलब चक्रा UI के पास खुद के भी आइकन है लेकिन रिएक्ट आइकन के जितने भी आइकन हैं उन सबको इजीली ये सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। इसीलिए अपन रिएक्ट आइकन की लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके अपन को इन सब चीज़ों को यूज भी करना है, किस तरीके से इसके अंदर जो आइकन है इनको अपन यूज करेंगे। तो NPM स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा समय लेगा। और यहाँ पे इसी वाले को वैसे रीलोड करके देख लेते हैं ना, ये वाला भी अपना आ चुका है। चलो इस वाले को बंद कर देते हैं, केवल एक रखते हैं। अब यहाँ पे अपन एक एक करके सब चीज़ों को निकालेंगे। अब अभी अपने को क्या करना है, जैसे मुझे एक चाहिए यहाँ पे स्टार आइकन, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टार आइकन, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखूँ तो स्टार आइकन, तो यहाँ पे AI फिल, और एक काम और कर सकते हैं कि चक्रा UI का ऑफिशियल आइकन भी मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे चक्रा UI में जाओगे तो केवल आपको आइकन लिखना है, और जैसे ही आप आइकन लिखोगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन चक्रा UI के पास खुद के भी आइकन हैं, तो यहाँ से भी अपन यहाँ पे से भी मल्टीपल आइकन, लेकिन जितने भी आइकन हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास दूसरा आइकन नहीं है। जैसे स्टार आइकन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा आइकन के साथ सपोर्ट करता है। और आपको मालूम है कि आपको जो यूजर इंटरफेस है जब भी आप बनाते हैं तो आइकन क्या होता है कि आइकन यूजर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने सही तरीके से उसको चीज़ों को समझने में, कि आप जो चीज़ उसको बताना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ बनाई है तो इसका आप किस पर्पज़ के लिए यूज करना है, तो आइकन आपका बहुत ही ज़्यादा यूज रहता है उस जगह पर, हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पर चक्रा UI और रिएक्ट आइकन दोनों को ही इंस्टॉल कर लिया है, सिर्फ इस पर्पज़ से कि आपको बता सकूँ कि यहाँ के ये चीज़ें बहुत ईजिली अपन यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा समय ले रहा है, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं ना, इसी को मैं रीलोड कर देता हूँ ना, तो ये भी अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये भी लोकल होस्ट 3000 पे ही चल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टार आइकन का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ कोड है, मैं कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। चलो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद ही लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो अपने पास यहाँ पर 4 आइकन और एक इस प्रकार का आइकन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीज़ क्यों मिल रही है, ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्या है छोटा सा कोड लिखा है, आप इस थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आगे यहाँ पे यहाँ तक का तो कोड मैंने लिख दिया था, इस जगह का कोड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, सॉरी फॉर देट। यहाँ पर मैंने बॉक्स डिस्प्ले फ्लैक्स मार्जिन टॉप यहाँ पर 2 और लाइन आइटम्स यहाँ पर सेंटर किया है,
यहाँ पे जो एरे होता है ना, एरे डॉट फिल का मैंने यूज किया है और यहाँ पे मैप मेथड को लगाया, और जो स्टार आइकन जो मैंने आपको बताया था, जो चक्रा यूआई आइकन की लाइब्रेरी में से अपन को मिला है, वहाँ से अपन इसका यूज कर रहे हैं और इसको मल्टीपल टाइम अपन शो करा रहे हैं। ठीक है, तो की यहाँ पे आई दी गई है और इसके अंदर कलर आई प्रॉपर्टी डॉट रेटिंग और टील डॉट 500 और ग्रे डॉट 300। कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मैं यहाँ पे, अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपने रेटिंग के अंदर 4 दिया है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे क्या हैं, फिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू के उससे अपन कंट्रोल कर रहे हैं कि किस प्रकार का आपको इसको कलर देना है। तो जिसकी मदद से क्या हो जाता है कि यूजर को मालूम पड़ जाता है कि कितना रेटिंग यहाँ यूजर ने दी है, मतलब कोई अगर दूसरा बंदा रेटिंग दे रहा है तो आपको वहाँ पे कलर के माध्यम से वहाँ पे बता सकते हैं। तो कितनी ईजिली अपन ने एक पूरा बॉक्स, जो एक रेटिंग बॉक्स बोल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल जो बुकिंग बॉक्स होता है उस प्रकार का आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉक्स बॉक्स बॉक्स। केवल अपन ने यहाँ पे पूरे उसके अंदर केवल बॉक्स का यूज किया है और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी उन सब प्रॉपर्टी का आपने यूज किया है, उसकी मदद से आपने इतना पूरा सेट कर लिया है। तो बॉक्स तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बॉक्स क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। तो अभी बॉक्स को अपन बंद करते हैं, यहाँ पर बॉक्स को हटाता हूँ मैं, और इसके बाद अपने को क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को भी हटा देता हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, और यहाँ से मैं इनको भी हटा देता हूँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट को अपने को थोड़ा सा उसमें समझना है, मतलब डीप में समझना है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे कुछ और चीज़ के, मतलब कुछ और कंपोनेंट के बारे में समझना है। आपको यहाँ पे समझना है सेंटर, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम चक्रा यूआई, चक्रा यूआई रिएक्ट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो इस एक यहाँ पे आता है सेंटर, सेंटर और दूसरा यहाँ पे आता है जो स्क्वायर, तीसरा यहाँ पे जो आता है सर्कल। अब इन तीन कंपोनेंट के बारे में अपन को डिटेल के अंदर समझना है। सबसे पहले आपको समझाता हूँ सेंटर के बारे में, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर और सेंटर करके इस तरीके से आपको लिख देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज सेंटर, अगर आप इस तरीके से करते हो और आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो दिस इज सेंटर आपको इस जगह पे दिखाई दे रहा है। नॉर्मल कंटेंट अपना किस जगह पे दिखाई देता है, नॉर्मल कंपोनेंट कंटेंट जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है, लेकिन ये वाला कंटेंट आपको कहाँ पे बिल्कुल सेंटर में दिखाई देता है। तो जब भी आपको इस प्रकार की चीज़ आपको अप्लाई करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो अपना सेंटर में दिखाई देना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कलर दे रहा हूँ इसको, कलर और इसको वाइट, ये क्या हो जाए, विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपना जो दिस इज सेंटर लिखा हुआ है वो पूरा जो बॉक्स है ना, उस पूरे बॉक्स के सेंटर में आ रहा है। तो जब भी आपको कोई ऐसा टेक्स्ट या ऐसा कंटेंट आपको शो कराना है कि जो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है ना कि अपन फटर बनाते हैं, तो फटर बनाते समय अपना जो कॉपीराइट वाला जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को अपन सेंटर के अंदर चाहते हैं। अब उसको सेंटर में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सेंटर एलिमेंट का यूज कर दोगे इस तरीके से तो डायरेक्ट वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये तो आपने समझ लिया कि आप सेंटर का किस तरीके से यूज करना है। अभी अपन समझते हैं स्क्वायर के बारे में और सर्कल के बारे में। सेंटर तो आपको समझ में आ गया, अब मैं एक काम करता हूँ इसी सेंटर के अंदर तीन चीज़ें और करता हूँ। यहाँ से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम चक्र यूआई आइकन्स में से कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला मुझे चाहिए फ़ोन आइकन, तो मुझे यहाँ पे चाहिए फ़ोन आइकन। और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल आइकन, तो मुझे यहाँ पे चाहिए ईमेल आइकन। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर वैसे और चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, अगर मैं यहाँ पे शायद फेसबुक या लिंक्डइन का भी मिल जाता है, नहीं लिंक आइकन मिलता है यहाँ पर, और उसके अंदर रिएक्ट आइकन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फेसबुक और वो सारी चीज़ें, वो अपन देखेंगे थोड़ी देर में, अपन उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। सबसे पहले सेंटर सर्कल को भी समझते हैं अपन पहले, तो सेंटर के बाद अपना कौन सा था, सर्कल। तो अभी मैं अगर यहाँ पे सर्कल में अगर मैं इस तरीके से करूँगा और सर्कल के बाद अगर मैं इसका जो फ़ोन आइकन था, इस फ़ोन आइकन को मैं इस जगह पे लगा देता हूँ। इसके बाद कौन सा है अपना, स्क्वायर। इसके बाद मैं अपना जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कौन सा लगा देता हूँ, ईमेल आइकन। तो अगर मैं ईमेल आइकन इस जगह पर दे देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि
सेंटर को हटा देते हैं क्योंकि सेंटर अपने को थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो अपना जो फ़ोन आइकन है, अपना जो फ़ोन आइकन है और जो सर्कल आइकन है, दोनों ही आइकन अपने इस तरीके से। लेकिन ये चीज़ आपने नोटिस करी, ये अभी देखो मैं कितनी बार रीलोड कर दूँ इसको, ये सेंटर में आ रहा है। सब कुछ यहाँ पे सेंटर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है और इस तरीके से स्क्वायर लगाया, ईमेल आइकन लगाया है, हर एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है आपको सेंटर में यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये चीज़ सही है क्या? ये चीज़ किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और लेता हूँ और थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे एच स्टैक का यूज करता हूँ, एच स्टैक ये चीज़ आपको मिल जाएगी चक्रा यूआई में से। एक काम करते हैं इसको, एच स्टैक। तो एच स्टैक क्या करता है ना, एच स्टैक आपको हॉरिजॉन्टली चीज़ों को देता है। मतलब अगर आपको इस तरीके से लेफ्ट में अरेंज करना है तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो बहुत ही ईजिली। बस आपको यहाँ अगर आपको कोई सर्कल अगर आपको शो कराना है पर्सनली, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर साइज दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ 50 पिक्सल, और इसके बाद जैसे बैकग्राउंड में मैं कुछ देना चाहता हूँ तो मैं बैकग्राउंड इसके अंदर दे देता हूँ टोमेटो। इसके बाद इसका जो कलर है वो कलर में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, कलर में इसको कर देता हूँ वाइट, इसका मैं वाइट। और इसी चीज़ की जो प्रॉपर्टी है, इस पूरी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर लूँगा, और जो अपना स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को भी मैं सेम चीज़ यहाँ पे दे दूँगा। तो अगर आप अभी देखेंगे इसको तो इतना ईजिली जो अच्छे आइकन दिखाई देते हैं ना आपको, कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप प्रॉपर आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आप ईजिली सेट कर सकते हैं। आए हैं ईमेल के लिए 50 पिक्सल जाना हो रहा है तो इसको 30 पिक्सल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ईमेल के जैसा दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल फ़ोन जैसा दिखाई दे रहा है। तो इतना ईजी आप क्या कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर और इन सब की मदद से अपन इस प्रकार के आइकन आप बहुत ही ईजिली आप सेट कर सकते हैं। फिर आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बॉर्डर रेडियस लगाओगे, इसको सर्कल बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। केवल आपको इस प्रकार की बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप ईजिली एक एक करके आप चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सेंटर समझ में आ गया होगा। तो अभी इसको हटाते हैं, सेंटर, सर्कल, और इसके बारे में मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है। एच स्टैक, वी स्टैक को अपन थोड़ा सा डिटेल में अभी और समझेंगे, लेकिन अभी इन दोनों को हटाते हैं। इनफैक्ट मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, बस यहाँ से इसको हटा दें। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कंटेनर के बारे में। तो कंटेनर बेसिकली जो डिव एलिमेंट होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपना कंटेनर भी होता है, लेकिन कंटेनर के अंदर एक विशेषता होती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर लिखूँगा। अब कंटेनर के अंदर आपको क्या ना, कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई लॉरम लिख दिया, लॉरम 32। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं ले रहा है क्योंकि ये डिव एलिमेंट में लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा डिव, अगर मैं यहाँ पे डिव कर दूँगा और मैं यहाँ पे लॉरम यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पे गूगल से ले लेते हैं लॉरम 32 लिप्सम जनरेटर, यहाँ से ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, वी एस कोड आपका काम नहीं करता है, तो यहाँ से अपन उस कंटेंट को हटा लेते हैं यहाँ से। अगर इस कंटेंट को आप डिव एलिमेंट के अंदर लगाएंगे, पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर आप डिव एलिमेंट के अंदर लगाएंगे और यहाँ पे जाएंगे अपने ऐप के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए दिखाई दे रहा है। आपका पूरा एलिमेंट यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से अरेंज होता है। मतलब आपकी जो जगह है ना पेज के ऊपर, पूरी जगह लेता है, बिल्कुल भी एक दूसरी चीज़ों को अरेंज नहीं करता, बिल्कुल भी सही तरीके से अरेंज करने की कोशिश नहीं करता वो। ये होता है डिव एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ अभी, कंट्रोल जेड, और इसी कंटेंट को, सेम कंटेंट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कंटेनर के अंदर फिल्ड करता हूँ। और मैंने जैसे ही यहाँ पे कंटेनर के अंदर फिल किया, आप देखो कंटेंट अपना कितना ज़्यादा अरेंजिंग है। मतलब जब भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक रैप हो जाए, जब भी एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके अगर वो ऑटोमेटिक रैप हो जाए, तो आप इस तरीके से उसके अंदर अरेंजमेंट आप दे सकते हैं। कंटेनर के अंदर आपको जैसे साइज अगर आप देना चाहते हैं तो उसका आप ईजिली साइज भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या ना, कि जैसे जैसे इसकी स्टाइलिंग आप सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल जो है ना उससे आपको कितना बेहतर आप यहाँ पे आप स्टाइल कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम विड्थ अपन देते हैं, मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे देता हूँ, कितना दे देता हूँ MD। अगर मैं यहाँ पे MD दे दूँगा तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अंदर अगर और अपन देखना चाहते हैं, जैसे अपन इसको मैनुअल देना चाहते हैं 700 पिक्सल, तो कंटेंट कुछ यहाँ तक देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये आपके हाथ में होता है ना। पहले डिप पे तो क्या हो रहा था, डिप पे आपको पूरा लगाना पड़ता,
यहाँ पे आपने केवल एक प्रॉपर्टी दी, इस एक प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड से कितना स्पेस देना है, राइट साइड से कितना स्पेस देना है, ऑटोमेटिक वो चीज़ें अपनी हो जाएंगी। और बैकग्राउंड में अगर आपको कलर देना है तो आपको मालूम है वो तो आप इजीली दे ही सकते हो, इतना देर से अपन पढ़ रहे हैं इसको। जैसे मुझे यहाँ पर देना है पर्पल कलर, तो मैं यहाँ पर पर्पल कलर दे सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो पर्पल कलर अपना ईजिली अप्लाई हो चुका है, पर्पल के अंदर कुछ आपको 300, तो पर्पल 300 भी आप इस तरीके से अरेंज, मतलब कलर तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा कलर आप देना चाहते हो। और अलग अलग प्रकार के कंटेनर अपन इजीली सेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे एक चीज, पिछली बार अपन ने क्या यूज किया था, एच स्टैक, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ वी स्टैक। तो अगर मैं यहाँ पे वी स्टैक का यूज कर दूँ, यहाँ पे वी स्टैक ऑटोमेटिक इम्पोर्ट हो गया है। अभी मैंने यूज क्यों किया है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं 3 बार कॉपी करता हूँ, और आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको 3 बार कॉपी किया, आपका कंटेंट देखो कितना प्रॉपर तरीके से अरेंजिंग ऑर्डर में है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से बिल्कुल चिपका चिपका आता जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से ऊपर से भी इसने बाय डिफ़ॉल्ट, आपने कुछ नहीं बोला, इसने बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा बहुत स्पेस ले लिया है जितना इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। तो इतना ईजी आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस वाले को अगर थोड़ा सा और बाइट दिखाना है तो आप यहाँ पर 830 कर सकते हैं, ये अपने आप को थोड़ा बाइट कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो इतना ईजिली अपन इसके अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अपन और भी इसके अंदर कुछ फैसिलिटी होती हैं, जैसे मैं इसको पहले कंट्रोल जेड करता हूँ, सिंगल अपने पास कंटेनर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा इसको। अब इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करना है, जो अपना बॉक्स एलिमेंट था इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। अब जो कंटेंट था ना उसको मैंने यहाँ पे इस बॉक्स एलिमेंट के अंदर डाला है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर बॉक्स, और बॉक्स के अंदर इस तरीके से मैंने डाला है। तो अभी आप देखेंगे किस तरीके से अभी अपना कितना प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होके अपने को दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि बॉक्स की जो स्टाइलिंग है, जैसे इसकी स्टाइलिंग तो बैकग्राउंड है ना, इसके अंदर कंटेनर के अंदर तो बैकग्राउंड पर्पल है, इसके अंदर कुछ और दूसरा अगर आप कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इसके अंदर आप अलग से मार्जिन दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसको दे दी हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप देखो मतलब पीछे का बैकग्राउंड पर्पल यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जैसे आपको एक कंटेनर के अंदर आपको मल्टीपल बॉक्स चाहिए, आपने यहाँ पर मल्टीपल बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से जनरेट कर लिए, कई बार आपने इस प्रकार के टाइटल देखे होंगे कि आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर कंटेनर अगर आपको, अगर मैं इसी चीज़ को अगर वी स्टैक की जगह एच स्टैक कर दूंगा, मतलब कंटेनर को अगर मैं एच फ्लैक्स यूज कर दूं, एच और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे अगर मैं फ्लैक्स लिख दूं, फ्लैक्स, तो अपना जो है वो चेंज होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, लगातार इसके अंदर कुछ ना कुछ आप चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका कंटेंट जो है वो कितना इजीली आप अरेंज कर सकते हैं CSS के लिए। पर आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैक्स के बारे में। फ्लैक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और समझते हैं अभी फ्लैक्स को भी समझते हैं। तो अभी वी स्टैक को हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाते हैं यहाँ पे, बॉक्स कंटेनर। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक तो मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स, दूसरा अपना यहाँ पे एक और रहता है स्पेसर। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिए, एक फ्लैक्स लिया है और अपना दूसरा लिया है स्पेसर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं फ्लैक्स नाम का कंटेनर यहाँ पर डाल दूँगा, फ्लैक्स नाम का कंटेनर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और फ्लैक्स नाम के कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसका मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे देता हूँ वाइट। और इसके अंदर फ्लैक्स के अंदर अभी सेंटर नाम का, जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, उस सेंटर नाम के उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो मैं सेंटर में क्या करना चाहता हूँ, सेंटर में कोई एक टेक्स्ट शो कराना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर अगर टेक्स्ट शो कराना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, केवल मुझे यहाँ पर टेक्स्ट नाम के कंपोनेंट को यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैक्स स्पेसर सेंटर, और यहाँ पे टेक्स्ट भी अपन यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया दिस इज टेक्स्ट वन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, बस यहाँ पे सेंटर की जगह मुझे क्या चाहिए, स्पेसर चाहिए, मतलब स्क्वायर चाहिए। चलो स्क्वायर में ले लेता हूँ, सेंटर की जगह मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, और यहाँ पर स्क्वायर भी इम्पोर्ट हो चुका है, तो इसको मुझे स्क्वायर कर देना है।
तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अपना जो कंटेंट है वो दिखाई तो देना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पे फ्लैक्स स्पेसर, अच्छा अपन ने अभी तक स्पेसर को यूज नहीं किया ना, लेकिन और इसके अंदर कोई अपन ने वो भी मेंशन नहीं किया है कि किसको कितना क्या देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करता हूँ। ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को मैं देता हूँ इसकी विड्थ, तो इसकी मैं मेंशन कर देता हूँ 100 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन डॉट 500। ठीक, इसके बाद अपना जो स्क्वायर वाला है इस स्क्वायर को भी अपन देते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है इसको अपन देते हैं ब्लू डॉट 500, और इसका जो साइज है वो मैं इसको दे देता हूँ 150 पिक्सल। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसका सेंटर वाला और स्क्वायर वाला यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज टेक्स्ट वन सेंटर में, दिस इज टेक्स्ट वन ए वाला भी अपना सेंटर में दिखाई दे रहा है। इसको मैं टू कर देता हूँ, दिस इज टेक्स्ट टू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में और स्क्वायर वाला भी यूज करने पर भी अपना क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इसका अरेंजमेंट हो रहा है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और यूज करता हूँ, बॉक्स का यूज करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे बॉक्स का यूज किया है, और बॉक्स का यूज करने पे मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी देता हूँ कितना, फ्लैक्स, और फ्लैक्स वन मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी दी हुई है एक इसको स्मॉल लेटर के अंदर। और इसका जो बीजी है वो मैं देता हूँ यहाँ पे टोमेटो, इसके अंदर कुछ कंटेंट अपन शो कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ कंटेंट और इसको टेक्स्ट और इसको भी टेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट 3। तो अभी आप इसके अंदर देखेंगे कि अब यहाँ पे बॉक्स इज नॉट डिफाइन, ओके। तो बॉक्स को भी अपन डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने बॉक्स को ले लिया, अभी देखते हैं। तो अभी आप इसके अंदर देखेंगे ये दो कंटेंट तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जो आपने बॉक्स के अंदर डाला है वो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, वो कंटेंट अपना इस तरीके से अरेंजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर अभी जैसे स्पेस बिटवीन होता था, अब जो इसके अंदर क्या ना, इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट अगर आप फ्लेक्स का और ग्रिड का आप सबसे पहली बार यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा होता है चक्र यूआई के अंदर कि नॉर्मली जैसे आप जिस प्रकार से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसका जो इफेक्ट आपको सामने देखने के लिए मिलता है, तो कई बार आप वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई तो करोगे लेकिन हो सकता है कि आपका जो इफेक्ट है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए ना मिले। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटाता हूँ, सेंटर स्क्वायर इसको मैं हटा देता हूँ, अपने पास केवल बॉक्स है, बॉक्स तो इसको भी हटा देते हैं अपन। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे केवल दो बॉक्स हैं और इन दो बॉक्स के बीच में मैं एक स्पेसर का यूज कर रहा हूँ। तो स्पेसर का आपको मतलब नॉर्मली मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या यूज होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखोगे तो जो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आपको करके देता था ना, वो काम स्पेसर ने आपको यहाँ पे करके दे दिया है। तो कितना ईजी होता है आपके साथ यहाँ पे कि अगर आपने इस तरीके से कर दिया कि तो मतलब ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। लेकिन आपको मैं थोड़ा आगे चल के अभी एक चीज़ और बताऊँगा कि जिसकी मदद से आपको क्या करना होगा, फ्लैक्स और ग्रिड का आप यूज करना बंद कर दोगे। मोस्टली मतलब पूरा यूज करना बंद नहीं करोगे, उसकी प्रॉपर्टी यूज करना चालू रखोगे, लेकिन फ्लैक्स कंपोनेंट और ग्रिड कंपोनेंट का आप यूज नहीं करोगे, नॉर्मली यूज नहीं करोगे। ये सिर्फ आपके बताने के लिए है कि हाँ चक्रा यूआई के अंदर ये वाली चीज़ें भी होती हैं। जब अपन एच स्टैक, वी स्टैक इन सब के बारे में थोड़ा समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में चक्रा यूआई कितना ज़्यादा यूजफुल है और जितने भी इसके पास कंपोनेंट हैं वो इतने ज़्यादा यूजफुल कंपोनेंट क्यों कंसीडर किए जाते हैं। उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यहां पे इसको बताया जाता है कि एच स्टैक और वी स्टैक को। ठीक है, तो फ्लैक्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि अपना किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं ग्रिड के बारे में, थोड़ा सा ग्रिड के बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि इतने समय से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं ग्रिड, और यहां पर दूसरा होता है ग्रिड आइटम। ये दोनों चीजों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ग्रिड तो आप जब भी यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ग्रिड जब भी आप यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने क्या वहाँ पे क्या बताया, वहाँ पे आपने बता दिया कि मैं इस डिस्प्ले ग्रिड करना चाहता हूँ। तो आप नॉर्मली आप इस तरीके से इसको ग्रिड आप लिख दोगे और इसके अंदर जितने भी ग्रिड आइटम आपको देने हैं वो ग्रिड आइटम आप ईजिली लगा सकते हो। अब ग्रिड के अंदर आप कुछ कॉलम अगर आपको क्रिएट करने हैं तो आप ईजिली क्रिएट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर जैसे टेम्पलेट कॉलम में अगर लिखूँगा और इसके बाद में यहाँ पर अगर रिपीट एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए 1FR के और उनके बीच में
मुझे गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे उनके बीच में गैप चाहिए, और गैप कितना होना चाहिए, चलो यहाँ पे डायरेक्ट दे देता हूँ कि मुझे गैप चाहिए। ठीक, अब ग्रिड आइटम में कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ग्रिड आइटम और इस तरीके से इसका थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। तो विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100%, इस तरीके से। हाइट इसकी अपन कर देते हैं 10, और इसके अंदर बैकग्राउंड में कर देता हूँ इसका ब्लू डॉट 500। अब अपने पास पांच हैं अपने पास, तो अपन एक काम करते हैं इसको 2, 3, 4, 5। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम अपने पास क्रिएट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। ग्रिड की मदद से आपने इतना इजीली यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब जिस तरीके से आपने टेम्पलेट कॉलम दिए, बिल्कुल उसी तरीके से आप टेम्पलेट रोज भी दे सकते हो। टेम्पलेट रोज आपने इस तरीके से देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपीट, और रिपीट के बाद मतलब यहाँ पे आप सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो जो प्रॉपर्टी नॉर्मली आपकी होती हैं, जो मतलब जो अपन ग्रिड की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उन ग्रिड की प्रॉपर्टी को अपन ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको स्पेशल चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या, जैसे कि अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अगर कर दिया रो स्पेन, तो रो स्पेन आपने टेबल के अंदर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रिड आइटम के अंदर भी रो स्पेन नाम की प्रॉपर्टी आपको मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला रो स्पेन 2, और इसका कॉल स्पेन मैं यहाँ पे दे दिया मैंने यहाँ पे 1, तो आप इस वाले को थोड़ा अलग आप देखेंगे, आप इस वाले को देखेंगे तो इसने काम नहीं किया, काम क्यों नहीं किया इसको चेक करते हैं। इसमें आपने ग्रेड, अच्छा मैंने इसके अंदर हाइट नहीं दी है ना, तो इसको थोड़ा सा हाइट यहाँ पे 200 पिक्सल में इसकी हाइट दे देता हूँ। अभी चेक करता हूँ इसके अंदर, ओके यहाँ पे इनको थोड़ा सा हटाते हैं, इस वाली स्टाइलिंग को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इस वाली स्टाइलिंग को हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, मैं आपको रो स्पेन और कॉल स्पेन का मतलब समझाना चाहता हूँ कि रो स्पेन और कॉल स्पेन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉल स्पेन दे देता हूँ 2, उसको रो स्पेन 2 दिया, और सबका मैं बैकग्राउंड कलर तो एक एक देना ही पड़ेगा, तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसका मैं दे देता हूँ टोमेटो, और इस वाले का जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं दे देता हूँ, इसको क्या दे रहे हैं, इसको दे देते हैं ब्लू। इसके बाद जो अपना पहले इन दोनों को रखते हैं, केवल इन दोनों को रखते हैं, इसको मैं कमेंट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो यहाँ पे इस प्रकार के बॉक्स अपने क्रिएट हो चुके हैं। ये क्या कर रहा है, ये दो कॉलम को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये वाला ये कॉलम तो एक ले रहा है, लेकिन जो दो रो थी ना उन दोनों रो को क्या कर रहा है, एक साथ अरेंज कर रहा है। तो मैं इन तीनों को भी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल कर देता हूँ। तो अगर मैं इन तीनों को भी अगर मैं स्टाइल करूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो अभी आप इनके अरेंजमेंट देखो, आप कितना प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज कर दिया गया है। तो ग्रिड के अंदर आप कॉल स्पेन रो स्पेन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलम को डायरेक्ट रो को आप स्पेन कर सकते हो। जो ये चीज़ आपको मैनुअल CSS से या टेलबाइंड के साथ या बूटस्ट्रैप के साथ आप करते हो ना, आई डेफिनेटली से कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अफकोर्स इसके अंदर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो कॉल स्पेन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया है ना, तो मैं इसको एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कॉल स्टार्ट, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कॉलम किस नंबर से स्टार्ट करना है। कॉल एंड आप यहाँ पे बता सकते हो, तो कॉल एंड जैसे मुझे 7 या 6 मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो वो कुछ उसी तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो जिसका बैकग्राउंड ब्लू था, ये वाला यहाँ पे जा चुका है। आप यहाँ पे देखो, इसका बैकग्राउंड ब्लू वाला मतलब यहाँ पे गया नहीं है, इस साइड खिसक गया है, और इसकी जो नीचे वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, ये वाला जो पपाया वाला अपना अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने 2 प्रॉपर्टी दी है, और टोटल तो इसके साथ अरेंजमेंट बैठ ही नहीं रहा ना, क्योंकि अपने पास कॉलम देखो, कॉलम कितने हैं 5, रो कितनी है 10, तो टोटल कितना बनेगा 10। अब यहाँ से 4 से 7 का तो आपने इसी को दे दिया, और बाकी का 4 इसको दे दिया, तो इस वाले का तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये तो इसके अरेंजमेंट में था। तो अगर आप इसको 4 से 6 भी दे दोगे ना, तब भी वो अपना यहाँ पे देखो आप दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसको
दो से चार दे दोगे तो अपना ये प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा मैथमेटिक्स होता है कि आपको सीएसएस करते समय थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग आपको चलाते रहना पड़ता है इसके अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो ग्रिड तो आपने देख लिया, अब ग्रिड के बाद इसके अंदर एक चीज़ और होती है सिंपल ग्रिड। ग्रिड का ही भाई समझो इसको, सिंपल ग्रिड अभी समझाता हूँ क्या होता है। सिंपल ग्रिड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, इस वीक ग्रिड को हटाते हैं, लेकिन ग्रिड के अंदर जो कॉल स्पैन रो स्पैन है बहुत मदद करती है, बहुत अच्छा अच्छा लेआउट आपको सेट करने में मदद कर सकती है। अगर आपने अगर आप ग्रिड के अंदर मतलब थोड़ा सा आप सीरियस हैं या फिर आपने ग्रिड को बहुत ज़्यादा यूज किया है तो आप ऑब्वियस इसको यूज करेंगे। सिंपल ग्रिड का यूज करते हैं अभी, सिंपल ग्रिड का। तो मैं यहाँ पर सिंपल ग्रिड, अब सिंपल ग्रिड क्या करता है ना, आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको देना है कि मुझे यहाँ पे दो कॉलम चाहिए, मतलब मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर पूरा कंटेंट जो है वो दो कॉलम कॉलम के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि दो कॉलम चाहिए और मुझे कुछ स्पेसिंग चाहिए, मुझे 10 की स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स को बोल दिया कि कुछ बॉक्स यहाँ पर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स इसकी सेल्फ क्लोजिंग, इसको यहाँ पे मैं बॉक्स ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से, और सारे बॉक्स जो हैं अपने, या तो आप इसको सेल्फ क्लोजिंग बना सकते हो या इस तरीके से बना सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। इसके बैकग्राउंड में कर दूंगा यहाँ पे टोमेटो, और हाइट इसकी कर देते हैं 80 पिक्सल। तो अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर दूँ और मल्टीपल टाइम, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास देखो दो दो कॉलम हो चुके हैं, मतलब कॉलम दो हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉलम दे दिया ना, यहाँ पे कॉलम्स देना था यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे दो कॉलम दो कॉलम दो कॉलम दो कॉलम इस तरीके से अपने पास पूरी वेबसाइट की सेटिंग हो चुकी है। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर दूंगा तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे पूरी वेबसाइट अपनी इसी ऑर्डर के अंदर देखो इजीली सेट हो गई है। तो सिंपल ग्रिड आपको हेल्प करता है, इस प्रकार की चीज़ों को हेल्प करता है कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को देना है। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, स्पेशली आप यहाँ पे बता सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एरे दोगे ना, एरे क्यों दिया जाता है, एरे दिया जाता है आपका जो आपके रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट थे ना उसके लिए आपको एरे दिया जाता है। जैसे टू आपने दिया SM के लिए, उसके बाद फिर आपने MD के लिए दे दिया कि तीन कॉलम होने चाहिए, उसके लिए उसके बाद के लिए आपने चार कॉलम स्पेसिफाई कर दिए। तो इस तरीके से करोगे तो अभी आप देखो यहाँ पे अपने पास अभी चार कॉलम है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखो तीन कॉलम हो चुके हैं, छोटा कर दूँगा यहाँ पे दो कॉलम हो चुके हैं। ये आपने बहुत बार अपनी कई बार वीडियोज के अंदर मतलब जो ऐसी वेबसाइट होती है ना जहाँ पर आप वीडियो को शो कराते हैं उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, उस जगह पे आप इजीली पता कर सकते हैं कि जो अपने जो डिब्बे हैं किस विड्थ पे कितना होना चाहिए। अगर वो रेडमी का मोबाइल है तो कितने होने चाहिए, अगर वो टैब के अंदर अपनी वेबसाइट खोली जा रही है तो कितने बॉक्स आपको शो कराने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर आप मैंसन करके ईजिली आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन उसकी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल ग्रिड। अब सिंपल ग्रिड का भी बात आई है तो इसके अंदर एक चीज़ और होती है, आप इसके अंदर जो मिन चाइल्ड विड्थ भी आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मिन चाइल्ड विड्थ ए वाली प्रॉपर्टी आप दे सकते हो। इसकी मदद से क्या हो जाता है, इसकी मदद से आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाता है कि कम से छोटी जो विड्थ है वो इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा छोटी इसकी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। आप स्पेसिंग जो आपने दी है ना, यहाँ पे स्पेसिंग अपन एक्स भी दे सकते हैं, स्पेसिंग वाई भी दे सकते हैं, ये मतलब टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के लिए होता है। इतना तो आपको थोड़ा एक्स और वाई के नाम से अंदाजा हो जाता होगा। अब बात करते हैं स्टैक के बारे में, अभी वो टॉपिक आ चुका है जिसका शायद आपको इंतज़ार था, क्योंकि स्टैक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरे चक्रा UI के अंदर। तो अभी सिंपल ग्रिड को हटाते हैं यहाँ से साइड से, इसको अभी हटा लेते हैं, इसको भी हटा देता हूँ। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को स्टैक और एच स्टैक, इसके बाद अपने को एच स्टैक, इसके बाद अपने को वी स्टैक, इन तीनों के बारे में अभी अपने को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैक के बारे में। स्टैक जब भी आप लगाते हो ना तो वहाँ पे आपके पास स्टैक छोड़ो, अभी स्टैक छोड़ के अपन पहले एच स्टैक देखते हैं, क्योंकि एच स्टैक और वी स्टैक आपने समझ लिया ना तो ऑटोमेटिक स्टैक आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैक क्या होता है।
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो बॉक्स था ना उस बॉक्स को भी एक बार और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉक्स भी ले लिया है, तो एच स्टैक के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ मल्टीपल बॉक्स मैं शो करा रहा हूँ। यहाँ पे चार बॉक्स मैंने शो कराए हैं, इन बॉक्स को थोड़ा सा बिड्थ अपन देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो बिड्थ है वो मैंने यहाँ पे दे दी इसकी 40 पिक्सल, हाइट भी मैंने यहाँ पे इसकी दे दी है, हाइट इसकी दे दी है अपन ने 40 पिक्सल। इसके बाद इसके अंदर बैकग्राउंड दे देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप दें इसको, तो मैंने यहाँ पे एलो एलो का इन्होंने 200, ठीक है। इस तरीके से इस स्टाइलिंग को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसके बाद अपन इसको इस वाले को दे देते हैं, इसके बाद अपन इस वाले को दे देते हैं, इसके बाद अपन इस वाले को भी दे देते हैं, और यहाँ पे अपन लिख दे देंगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऊपर वाले यहाँ पे इस तरीके से, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, 1, 2, 3 फिर अपना इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही दिमागदार वाली चीज़ है। मैंने यहाँ पे एच स्टैक के अंदर ये चीज़ की है, मैंने इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कॉपी करता हूँ, और एच स्टैक की जगह मैं यहाँ पे इसको केवल रिप्लेस कर रहा हूँ वी से। मैं वी स्टैक अपना इसी प्रकार से है ना, ठीक है, वी स्टैक अपना इसी प्रकार से है, ठीक है। तो वी स्टैक मैंने इसको किया, तो अभी आप यहाँ पे देखो एच स्टैक इस तरीके से दिखाई देते हैं, वी स्टैक इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियरली हो गई होगी कि इससे आपका मतलब अंदाज़ा समझ में आ गया होगा कि एच स्टैक क्या कर रहे हैं, चीज़ों को हॉरिजॉन्टली शो करा रहे हैं, और वी स्टैक क्या किया जा कर क्या कर रहे हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं चीज़ों को वर्टिकली शो कराने में। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपके मन में, ठीक। अब इनको मैं हटा देता हूँ, दोनों को हटा नहीं रहा हूँ, अभी केवल कमेंट कर रहा हूँ मैं, बस इनको कमेंट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे स्पेशली मैं इसको बी स्टैक वाले को कमेंट कर रहा हूँ, और एच स्टैक को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, एच स्टैक को कन्वर्ट कर देता हूँ स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, आप इसके अंदर देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कॉलम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, कॉलम के फॉर्म में। अच्छा, वैसे स्टैक और वी स्टैक के अंदर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं। अगर आप वी स्टैक अकेला खोलोगे ना इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया है, इसने दोनों तरफ से अपनी पोजीशन को सेंटर में कर लिया है। स्टैक ने ऐसा नहीं किया था, जब आपने स्टैक लगाया था उसने चीज़ों को वर्टिकली तो किया था, लेकिन वहाँ पे उसने अपने आप को सेंटर में नहीं किया था। लेकिन वी स्टैक जब भी आप लगाते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को सेंटर में कर लेता है, ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट बोल सकते हैं। क्योंकि ये इतना मतलब आपको एकदम से किसी वेबसाइट के अंदर एकदम से थोड़ी कंटेंट सेंटर में करना होता है, आपको अरेंज करना होता है, पूरा कंटेंट जमाना होता है, पूरी एक एक चीज़ों को सेट करना होता है, उसके बाद आप उसको सेंटर में करना पसंद करते हैं। लेकिन वी स्टैक आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक का जब आप इस तरीके से यूज करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस तरीके से इसको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन जब भी स्टैक का यूज करते हैं तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन रहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को बेहतर कर सकें। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्शन डायरेक्शन के अंदर स्क्वायर देना है, और यहाँ पे बोल देना है कि अगर जो छोटी जो डिवाइस होती है ना उस छोटी डिवाइस पे आपको कॉलम के अंदर शो करा देना है, और जो बड़ी डिवाइस होंगी उसके ऊपर आपको रो के फॉर्म में शो करा देना है, और इनके बीच में आप थोड़ा सा स्पेसिंग अगर देना चाहते हैं तो स्पेसिंग आप दे सकते हैं। स्पेसिंग आपने यहाँ पर दे दिया 24 पिक्सल। तो अभी आप यहाँ पर जाएंगे ना यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, तो अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। और जैसे ही यहाँ पे देखो मोबाइल का व्यू पकड़ा, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब कितना इजीली आपने क्या कर लिया, पूरा रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाला सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और आपने अगर किसी का भी प्रोजेक्ट अगर देखा होगा कि चक्रा यूआई की मदद से उन्होंने बनाया है, ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए वो यूज करेंगे ही करेंगे, अगर वो यूज नहीं करेंगे तो मोस्टली उनको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक चीज़ और होती है, डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्शन था ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास होता है डिवाइडर। यहाँ पे आप डिवाइडर के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टैक डिवाइडर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टैक डिवाइडर, यहाँ पे एक होता है, इस स्टैक डिवाइडर को आप इस तरीके से जो सेल्फ क्लोजिंग होता है इसको आप इस तरीके से दे सकते हो। और इसको थोड़ा सा बॉर्डर कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर मैं कितना दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ इसको ग्रे .200, ठीक है। और अपने पास आ गया होगा स्टैक डिवाइडर। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो ये देखो, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है,
600 कर देते हैं। 600 करने पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कि जितने भी अपने पास कंटेंट हैं उनके बीच में अगर आपको कोई डिवाइडर लगाना है तो आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप डिवाइडर लगा सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इसकी जो इन सब की विड्थ है ना, इन विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 100% कर देता हूँ। तो 100% करने पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक काम करते हैं, इस विड्थ को उठा के मैं इन सबको मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन। और यहाँ पे ठीक है, अभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो कितना इजीली आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। ये डिवाइडर आपका काम करता है। आप ये जनरली आप अगर आपने देखा होगा कि वर्टिकल जब कंटेंट दिखाना होता है ना, जब जिस कंटेंट को आपको वर्टिकल वे में शो कराना होता है तब आप इसका मोस्टली यूज करते हो डिवाइडर का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। स्टैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब काफ़ी यहाँ इंपॉर्टेंट है, बस मैं यही बोल सकता हूँ कि इसका आपको अगर थोड़ा सा आपने अंदाज़ा ले लिया तो आई होप आप रिस्पॉन्सिवनेस में तो आप बहुत बेहतर हो जाओगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस बस यही है कि अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग तरीके से कंटेंट को शो कराना है, यही पूरा इस पर रिस्पॉन्सिवनेस है। मतलब ऐसा थोड़ी हो जाता है कि पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, पूरा टेक्स्ट चेंज हो जाए, पूरा कंटेंट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। रिस्पॉन्सिवनेस में बस यही होता है कि आपको पोजीशन चेंज करना होता है, डिस्प्ले चेंज करना होता है, इसके बाद जो इसके लिखने का जो तरीका मतलब जो कंटेंट को जो लिखने का तरीका होता है वो आपको चेंज करना होता है। यही तो यही तीन चीज़ें होती हैं जो आपको चेंज करनी होती हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो उन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अब आपको क्या करना, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा रैप के बाद। रैप क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या होगा आपने, अगर CSS पढ़ी हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा रैप और रैप आइटम के बारे में आप यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैप। रैप कंपोज द बॉक्स कंपोनेंट एंड रेंडर ए UL टैग, और रैप आइटम कंपोज द UX बॉक्स और HTML, मतलब जो LI टैग और जो UL टैग थे ना उन्हीं के जैसा ये रैप अपना काम करके देता है। थोड़ा समझाता हूँ आपको किस तरीके से होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रैप कंपोनेंट लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रैप कंपोनेंट लिया। अब रैप कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रैप आइटम ले लिया। तो रैप आइटम मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ सेंटर का कंपोनेंट। अब सेंटर के कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ शो कराना चाहता हूँ। बॉक्स 1, इसकी विड्थ मैंने कर दी 180 पिक्सल, इसकी हाइट मैंने कर दी यहाँ पे 80 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने कर दिया रेड 200। ठीक है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। अब इस रैप आइटम को क्या करता हूँ, 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। एक तो है ही, 2, 3, 4, 4 बार मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप इसको देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो अपना जो कंटेंट है वो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 बार अपना दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको 5वीं बार फिर कॉपी करता हूँ। इसको मैंने एक बार फिर कॉपी कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो अपना जो इसके अंदर कुछ फेलियर हो चुका है, कंट्रोल जेड करते हैं, अभी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अपन ने यहाँ पे इसको कॉपी करना था केवल। तो अगर अभी आप यहाँ पे जाओगे तो अपना जो कंटेंट है वो 5 बार आ चुका है ना। एक बार फिर से करते हैं इसको। जैसे ही मैं इसको 6वीं बार प्रोसेस करूँगा, आप यहाँ पे देखेंगे अपना कंटेंट साइड में नहीं गया, नीचे आ गया ऑटोमेटिक। अपना कंटेंट साइड में नहीं गया ऑटोमेटिक, वो नीचे आ गया। ये क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि अपना जो रैप आइटम आपने यूज किया है, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर कंटेंट लिखना शुरू करते हो तो जब भी आपका कंटेंट ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, तो आपका कंटेंट ऐसा नहीं है कि पेज के बाहर चला जाए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पेज के अंदर छुप जाए जाके, ऐसा नहीं होता है। वो कंटेंट ऑटोमेटिक आपका नीचे डाइवर्ट होकर आ जाता है। तो रैप आपको हेल्प करता है आपके कंटेंट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में, कि आपका कंटेंट जो है वो खो ना जाए किसी भी तरीके से। अगर डिवाइस अगर चेंज हो रही है, अगर वो रेडमी की जगह उसको किसी छोटे मोबाइल पे या पुराने किसी मोबाइल पे खोल लेता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कंटेंट वो उसको प्रॉपर तरीके से पूरा दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कंटेंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, उसकी डिवाइस जिस प्रकार की वो डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है उस प्रकार की डिवाइस के हिसाब से कंटेंट अपने आप को नीचे 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 लाता चला जाएगा, और जिस हिसाब से डिवाइस बड़ी होती जाएगी उस तरीके से अपने आप को वो फैलाता चला जाएगा। तो ये आपको हेल्प मिल जाती है
रैप आइटम की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में। चक्रा यूआई के अंदर फॉर्म बनाना, फॉर्म के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट पूरी वेबसाइट, जिस वेबसाइट के अंदर भी आप काम करते हैं, छोटी बड़ी कोई भी वेबसाइट हो, हर वेबसाइट के अंदर फॉर्म तो होते ही हैं। फॉर्म जब भी बात होती है तो फॉर्म के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, चेकबॉक्स होता है, रेडियो होता है, बटन होता है, इनपुट टैग होते हैं, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें होते हैं, मल्टीपल आइकन होते हैं, एरर को हैंडल करना होता है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। तो आप फॉर्म के बारे में समझते हैं कि फॉर्म के अंदर की चीज़ों को एक किस तरीके से अरेंज करता है, किस तरीके से बेहतर बनाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बटन के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने को इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो इनको रैप आइटम को हटा लेते हैं, इसको भी सेंटर, इन सबको अपन यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले अपना बटन की बात कर रहे हैं, तो बटन के यहाँ जब भी बात आती है तो अपने पास दो प्रकार की यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो आपको मिलता है बटन, दूसरा आपको मिलता है बटन ग्रुप। दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो बटन आप नॉर्मली किस तरीके से यूज करते हैं, आप अगर जब भी आप चक्रा यूआई का यूज कर रहे हैं, तो चक्रा यूआई के अंदर अगर आप नॉर्मल बटन भी लिखोगे ना, इस तरीके से आप बटन लिख दोगे और इसके अंदर कोई आप टेक्स्ट लिख दोगे, जैसे बटन लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका बटन भी आप कितना गुड लुकिंग होता है, मतलब पहले से ही इतना अच्छा होता है जब आप इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अगर आपने परफॉर्म नहीं किए तब, और जब आप इसके अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म कर देते हो तब तो बस माशाल्लाह बहुत ही शानदार लगता है। मतलब आपने बोल दिया चार, तो जैसे मतलब ये मैंने क्या बोल दिया, स्टाइल चार नहीं बोलना था मुझे, यहाँ पर क्या करना था, कलर स्कीम देना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा कलर स्कीम। और कलर स्कीम अगर मैं यहाँ पे ब्लू दे दूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा गुड। लेकिन इसके अंदर जो बटन होते हैं ना, बहुत ही शानदार बटन होते हैं, मतलब इसके अंदर बॉर्डर रेडियस वो सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से ही सेट हुई मिल जाती हैं, तो इसलिए अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे अभी कुछ बटन को मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, अलग अलग प्रकार के अपने पास बटन होते हैं। अभी जैसे एक बटन आप इसका जो साइज प्रॉप होता है ना, इस साइज प्रॉप की मदद से आप इसके अंदर मल्टीपल साइज के बटन दे सकते हैं, जो कि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है जब फॉर्म के साथ अपन काम करते हैं। जैसे SM साइज का दोगे तो इस प्रकार का हो जाएगा, और SM के बाद अपना होता है MD, अगर MD साइज का दोगे तो वो नॉर्मल जो था उसी प्रकार का आ जाएगा। इसके बाद अपना जो LG होता है, यहाँ पे आप अगर आप LG साइज का दे दोगे ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी उसके ऊपर डिपेंड है कि मतलब रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको जो बटन है वो किस प्रकार का बटन आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बटन के वेरिएंट होते हैं कि किस किस प्रकार के आप उसके अंदर वेरिएंट लगाना चाहते हो। जैसे वेरिएंट मैं आपको दिखाता हूँ, वेरिएंट सबसे पहला जो वेरिएंट होता है वो अपना सॉलिड, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जिस तरीके से अभी है उस तरीके से आपको दिखाई देता है। दूसरा अपना इसके अंदर होता है आउटलाइन, तो अगर आप आउटलाइन दे दोगे तो उस तरीके से नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से पहले दिखाई दे रहा था। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे आउटलाइन के अंदर तो चीज़ें हैं, होवर करने पे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसके अंदर एक और वेरिएंट होता है जिसका नाम है घोस्ट, अगर आप घोस्ट दे दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब जो आउटलाइन था वो भी चला गया है, बस यहाँ पर होवर करने पर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आखिरी का जो अपना होता है वो होता है लिंक, तो अगर आप लिंक दे दोगे फिर तो आपको मालूम ही है कि नॉर्मली किस तरीके से दिखाई देगा, ओवर करने पे यहाँ पे नीचे जो है एक लाइन आ जाएगी जो आपको इंडिकेट करेगी कि अपना जो बटन है वो कौन सा बटन है, वो है अपना लिंक बटन है। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन और बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती हैं जिनका अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको आपको समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे कलर स्कीम यहाँ पे ब्लू दिया था ना, इस कलर स्कीम को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको दे देना है क्या, इसको मैंने वाइट व्हाट्सएप दे दिया मैंने, अगर जैसे मैंने इसको व्हाट्सएप दे दिया ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखो व्हाट्सएप वाला कलर हो गया। मतलब यहाँ पर आपके पास कलर स्कीम बिल्कुल जो फेसबुक ट्विटर, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ट्विटर दे दूँ, ट्विटर, तो जो ट्विटर वाला कलर स्कीम है वो आपको मिल जाएगा। तो जो कंटेंट है वो कंटेंट के ऊपर आपको किस प्रकार की स्कीम देनी है, मतलब व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, मैसेंजर, फेसबुक, लिंक्डइन, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, कलर स्कीम के अंदर ही वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और जैसे अगर आपको ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम देना है, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम लिख दोगे तो जो टेलीग्राम का जो कलर है, कलर स्कीम है, वो कलर स्कीम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद होता है अपना लिंक्डइन होता है, तो अगर मैं लिंक्डइन यहाँ पे इस तरीके से दे दूँगा
लिंक्डइन की जो कलर स्कीम है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब बटन के अंदर अगर आपको आइकन देना है तो आप आइकन भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आपने इतने सारे प्रॉप पास किए ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास एक प्रॉप होता है इसके अंदर लेफ्ट आइकन। आपने यहाँ पे लेफ्ट आइकन के अंदर जो ईमेल आइकन लिया था ना, इस ईमेल आइकन को मैं पास कर देता हूँ। ईमेल आइकन, तो ईमेल आइकन को मैंने इस तरीके से पास कर दिया। तो अभी आप देखेंगे बटन के अंदर ही अपना ईमेल आइकन है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, वेरिएंट अपना जो लिंक है था ना, इस लिंक को हटा के मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। अभी आपको समझ में आएगा कितना इजीली अपना जो देखो बटन इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे बटन की जगह अगर आप लिख दोगे मेल, तो मेल अगर आपने लिख दिया तो कितना इजी, मतलब यूजर को कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा इंडिकेट करना कि वहाँ इस जगह से उसको मेल करना है। इसी बटन को मैं अगर कॉपी कर दूँ, कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ोन, और लेफ्ट आइकन के अंदर जो ईमेल आइकन दिया था ना, उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ फ़ोन आइकन दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस तरीके से करूँगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़ोन आइकन कितनी ईजिली आ चुका है। इंडिकेट देखो आप, मतलब इंडिकेट देखो कितना अच्छा हो रहा है। और अगर इसको डायरेक्शन के वे में चाहिए तो आप यहाँ पर स्टैक को भी, स्टैक को यहाँ पर अपना को स्टैक को इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। और स्टैक को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से इसके नीचे इस तरीके से ले लूँगा। तो अगर स्टैक ले लूँगा तो आपको मालूम है मेल और फ़ोन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कितना ईजिली अपन ने क्या कर लिया, इतने आसानी से अपन ने इसको अरेंज कर लिया। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, अभी इसके अंदर और भी चीज़ें अगर आपको लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब अलग अलग आइकन अगर आपको लगाने हैं तो भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपको क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, यूजर को आप बता सकते हैं कि इस जगह पे ये वाला एक्शन आपको लेना है। जैसे आप यहाँ पर अगर कॉल लिख दोगे तो यहाँ पर यूजर को मालूम पड़ जाएगा कि इस जगह से कॉल करना है, इस जगह से मेल भेजना है। तो वो सारी चीज़ें यूजर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक और होता है कि अगर इस बटन के अंदर मैं जो लेफ्ट आइकन है, इसके अंदर मैं एक प्रॉप होता है, उस प्रॉप को पास कर दूं, इसको हटा दे दूंगा, अभी लेफ्ट आइकन की ज़रूरत नहीं है। इस बटन के ऊपर अगर मैं एक प्रॉप दे दूं, इज लोडिंग, अगर मैं इज लोडिंग प्रॉप यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला लोडिंग में चला जाएगा। ये आप किसी कंडीशन, जब रिएक्ट जीएस के साथ, जब आप किसी मर्न स्टैक एप्लीकेशन या फिर कोई बड़ी वेबसाइट के ऊपर, जो फुल स्टैक वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आपको लगानी पड़ती हैं, तो वो जो कंडीशन है उन कंडीशन के बेस पे आप इसको बता सकते हैं कि कब अपना बटन इज लोडिंग के अंदर होना चाहिए, कब अपना बटन इज लोडिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर बिजली बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक काम और कर सकते हैं, जैसे एज लोडिंग आपने लिखा ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो बीट लोडर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे मैं बीट लोडर अगर मिल जाता है, बीट लोडर तो यहाँ पे नहीं मिला है, यहाँ पे आप स्पिनर, मतलब जो स्पिनर होते हैं ना, आपको अगर कोई स्पिनर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर वो स्पिनर भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एज लोडिंग किया था, तो मैं इस लोडिंग के पास स्पिनर अगर मुझे लगाना है तो मैं यहाँ पे स्पिनर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। बस स्पिनर के अंदर कोई ना कोई मुझे चाहिए रहता है। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर बीट लोडर तो नहीं है अपने पास एक कोई भी, मतलब कोई ना कोई आपको कंपोनेंट यहाँ पे चाहिए रहता है स्पिनर के अंदर। आपको क्या पास कर दूँ अभी मैं, मेरे पास अभी ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करता हूँ मैं। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को आप इजीली यहाँ पे पास कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया कि आपको एज लोडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और जो सोशल आइकन है उन सोशल आइकन का आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो अपने रिएक्ट आइकन किया था ना, उस रिएक्ट आइकन का मैं यहाँ पर हेल्प लेता हूँ, मतलब जो इम्पोर्ट करता हूँ, कहाँ क्या इम्पोर्ट करता हूँ, समथिंग फ्रॉम और एट द रेट रिएक्ट आइकन, मुझे रिएक्ट आइकन से चाहिए, तो मुझे रिएक्ट आइकन्स और एफ ए में से चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए अपना एफ ए फेसबुक और एफ ए ट्विटर, ट्विटर तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप इजीली देखोगे इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो लेफ़्ट आइकन लगाया था ना, उस लेफ़्ट आइकन को लगाता हूँ, और यहाँ पे जो एफ ए फेसबुक लिया आपने, एफ ए फेसबुक को मैं इस तरीके से इसके अंदर इंपोर्ट कर दूंगा। और यहाँ पे कलर स्कीम देखो आप, मैं कलर स्कीम में इसका चेंज करके कर दूंगा फेसबुक,
यहाँ पे डायरेक्ट आप इस तरीके से दे सकते हो फेसबुक। तो अभी आप देखना क्या होगा, अपना फेसबुक वाला कलर यहाँ पे इज लोडिंग प्रॉप, मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं हटा दूंगा। आप यहाँ पे रीलोड करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो फेसबुक वाला वो निकल के आ गया। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फेसबुक इस तरीके से लिख देना है। तो अगर आप इस तरीके से लिख दोगे, आप देखो ऐसा फील हो रहा है कि ना जैसा फेसबुक वाला पूरा इंटरफेस आपने सेट कर लिया है। इसी तरीके से आप ट्विटर वाला भी कर सकते हैं। आपको कलर स्कीम यहाँ पे लिंक्डइन का दिया है ना, चलो इसको लिंक्डइन की जगह मैं इसको ट्विटर कर देता हूँ, इसको ट्विटर। और यहाँ पे जो लेफ्ट आइकन था ना, उस लेफ्ट आइकन को लगा देते हैं लेफ्ट आइकन। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो ट्विटर का निकाला था आपने एफ ए ट्विटर, इसको आप इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि अपना ट्विटर का इस तरीके से कॉल हो गया। बस यहाँ पे आपको जो कॉल था ना, उस कॉल की जगह पे आपको ट्विटर लिख देना है। बस इतना अगर आप लिख दोगे तो ये देखो फेसबुक और ट्विटर का जो कलर स्कीम था ना, बिल्कुल सेम कलर स्कीम आपको देखने के लिए मिल गया। अब इसी तरीके से अपने पास ऑप्शन होता है बटन ग्रुप का। बटन ग्रुप बेसिकली क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पे स्टैक लिया था ना, स्टैक की जगह आप यहाँ पे बटन ग्रुप का यूज कर दो। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से बटन ग्रुप का यूज कर दोगे तो अपना जो कंटेंट है वो इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो बटन ग्रुप आपको हेल्प करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा हो जाए, वो अटैच हो जाए। कैसा हो जाए, अटैच हो जाए। कैसे हो जाए वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये चाहते हो, मैं इसका भी हटाता हूँ फिलहाल को, ट्विटर वाला फेसबुक का है ना। तो अभी आप ये चाहते हो कि फेसबुक के साइड से मुझे कोई एक दूसरा वो भी चाहिए, मतलब कोई एक आइकन चाहिए फेसबुक के साइड से, जैसे ऐड का आइकन चाहिए। तो आप मैं यहाँ पे ईमेल आइकन के बाद यहाँ पे ऐड का आइकन, या फिर यहाँ पे क्या करता हूँ ड्रॉप आइकन कुछ मिल जाए मुझे, डिलीट आइकन, डाउनलोड आइकन, डाउनलोड का आइकन जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, जैसे बटन आइकन था ना, इस बटन के नीचे यहाँ पे एक प्रॉप आता है आइकन बटन करके, आइकन बटन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे चक्रा यूआई में से। और इस चक्रा यूआई के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइकन नाम का प्रॉप होता है, यहाँ पे आके आप पास कर देंगे कौन सा प्रॉप अपने पास, डाउनलोड वाला है ना, तो इस डाउनलोड आइकन को आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप जाओगे तो ये वाला देखो, इसके अंदर अभी मतलब ये वाला फेसबुक और ये अपना इसके बाहर अपने को दिखाई दे रहा है इस तरीके से, क्योंकि अपन ने बटन ग्रुप के ऊपर कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दी है। ये अब अगर मैं यहाँ पे एज अटैच्ड अगर मैं इस तरीके से अगर लगा देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अपना जो डाउनलोड है वो इसके साथ जुड़ चुका है। पहले नहीं जुड़ा था, अभी इसके साथ जुड़ चुका है। अब फिर अब इसको अगर और अगर आपको डिटेल में समझना है, तो इसको अगर मैं वेरियंट दे दूँ, वेरियंट अगर मैं इसका कर देता हूँ सॉलिड, अगर मैं इसका सॉलिड कर दूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे पूरा इसके साथ जुड़ चुका है। और मैं इसका अगर कर दूँ आउटलाइन, तो आउटलाइन से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, फेसबुक के साथ ही जुड़ा हुआ है। बस इसकी पोजीशन को आपको चेंज करना है, बस उसके बाद ये इजीली अपना अरेंज कर लेगा। इसके बाद स्पेसिंग अगर आपको देनी है 3 की, तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग अगर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई देने लगेगा। मतलब आपको फेसबुक जो आइकन था ना, उसके साथ आपको इसको जोड़ना था, तो आपने क्या किया, आपने इसके साथ जोड़ दिया, जिससे क्या हो गया, जिससे ईजिली इसके साथ जुड़ चुका है। साइज अगर आपको कोई देना है, तो आप इसके अंदर कोई साइज अगर आप देना चाहते हैं, जैसे मुझे SM देना है, तो मैं यहाँ पे SM साइज इसके अंदर दे सकता हूँ। इस तरीके से इसको अरेंज, मतलब छोटा बड़ा इसको कर सकता हूँ। आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कितना ईजिली अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बटन की मदद से। अब बात आती है इसके अंदर चेकबॉक्स की। अब चेकबॉक्स की बात करते हैं, चेकबॉक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बंद करते हैं पहले। तो यो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा इस चक्रा यूआई के कोर्स में, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपन पढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, इस सब को हटा देना है, यहाँ से इन सबको एक बार फिर से रिमूव कर देना है। अब अपने को देखना है इसमें चेक बॉक्स दूसरा अपना इसका होता है, जो होता है इसका चेक बॉक्स का ग्रुप। दो चीज़ें अपने को इसके अंदर देखना है। चेक बॉक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनका अपने को यूज करना है और जिनकी मदद से आप उन प्रॉपर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या को यहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स आपको ये मैंने क्या कर दिया, चेक बॉक्स
चेक बॉक्स इस तरीके से आपको लिख देना है। तो आपने यहाँ पे चेक बॉक्स लिख दिया और यहाँ पे अपन चलते हैं। तो चेक बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉप जो होता है वो होता है डिफॉल्ट चेक। आप यहाँ पे डिफॉल्ट अगर चेक्ड लिख दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो अपने को चेक है वो मिल जाएगा। आप इसके अंदर कुछ करोगे नहीं, जैसे मैंने केवल रीलोड किया था, बस मैंने यहाँ पे मतलब इसको चेक नहीं किया है, केवल मैं अगर आप यहाँ पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होता है, चेक आपको लगा हुआ मिल जाता है। तो ये अपना होता है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद इसके अंदर दूसरा प्रॉप जो आता है, इसको मैं एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट चेक किया था, इसको अपन एक काम और कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इज डिसेबल्ड, अगर मैं इज डिसेबल्ड यहाँ पे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला देखो चेक तो है लेकिन ये डिसेबल्ड है, यहाँ पे देखो आप कर नहीं सकते हो। तो इस तरीके की अगर आपको चीज़ें करनी है तो वो भी आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपको मालूम है कलर स्कीम तो आप दे ही सकते हो, अगर आपको कोई कलर स्कीम पसंद आ जाती है तो आप इसके अंदर कलर स्कीम दे दो रेड, और तो अगर आप कलर स्कीम रेड दे दोगे तो ये थोड़ा सा रेड कलर के उससे हो जाएगा। मतलब ये अपने मनमर्जी है कि जैसा आप जिस कलर का आप देना चाहते हैं उस कलर का आप दे सकते हो ईजिली। उसके बाद साइज की बात आती है, साइज भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। जैसे मुझे इस वाले को जो ये वाला है इसी को मैं क्या करता हूँ साइज दे देता हूँ, और साइज देता हूँ एलजी का। तो अगर मैं इसको एलजी का साइज दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला छोटा है ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा साइज भी दे सकते हैं। और जैसे अपन ने एज डिसेबल्ड किया था इसी तरीके से अपने पास होता है एज इनवैलिड। तो अगर आप एज इनवैलिड यहाँ पे लगा दोगे तो कुछ इस तरीके से अपना बन के आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, लेकिन बस इतना होता है अपना एज इनवैलिड कि ऑफर। आप इसके अंदर स्पेसिंग अगर आप देना चाहें तो स्पेसिंग दे सकते हो। और जो आपके पास चेकबॉक्स ग्रुप के बारे में जो बात हो रही थी, आप उस ग्रुप का भी यूज आप कर सकते हो कि आपके पास मल्टीपल चेकबॉक्स हैं उसमें से अलग अलग वैल्यू आपने लगा के रखी हैं, उन अलग अलग वैल्यू पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, अपने पास यहाँ पे चलो इनको हटा ही देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। अपने पास चेकबॉक्स ग्रुप है, अब इस चेकबॉक्स ग्रुप के अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देते हैं कलर स्कीम, यहाँ पे आपने कलर स्कीम दे दी ग्रीन, ठीक। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे बोला कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर आपने एक एरो पास किया, जहाँ पे आपने दे दिया एक दे दिया नेहरू, तो दूसरा आपने यहाँ पे इसके अंदर दे दिया ककासी दे दिया, ठीक। दो वैल्यू आपने यहाँ पर दे दिए हैं। अब इस चेकबॉक्स ग्रुप के अंदर आपने लगाया एक स्टैक एलिमेंट, यहाँ पर एक स्टैक को आपने अप्लाई करवाया। इस स्टैक के भी अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टी दे दी है, मान के चलिए यहाँ पे स्पेसिंग अगर आपने कोई दे दी है और स्पेसिंग को आपने रिस्पॉन्सिव वे में दिया हुआ है कि 1 और 5 में यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद आपने इसको डायरेक्शन देना है कि अगर जब मोबाइल है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को कॉलम में दिखाना चाहता हूँ, और अगर लैपटॉप है तो इसको मैं रो के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपने लगा दी, ये अपना क्या हो गया रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आपने बना दिया। इसके बाद आपको मल्टीपल चेक बॉक्स दे देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीपल यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे इसको दे दिया नेहरूतो, और नेहरूतो के अंदर जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको दे दिया नेहरूतो, ठीक। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी 2 बार, बस इस नेहरूतो की जगह मैं इसको कर देता हूँ सासुकी, और इसको भी अपन क्या कर देते हैं सासुकी, ओके। और इसको जैसे अपन को काकाची करना था तो अपन को काकासी, और इसको भी अपन क्या कर देते हैं, इसको भी अपन कर देते हैं काकासी। अब इसमें आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स 3 लिए हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर केवल नारुतो और काकासी पास किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है आपका कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पहले से बता सकते हो किसी जगह पे, अगर आपने बोल दिया कि पहले से इस जगह पे सेट कर दो तो पहले से इस जगह पे सेट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल तीनों चीज़ें आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेकबॉक्स का ग्रुप का आप यूज करते हो कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे शो करानी है पहले से, या आप पहले से किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। चेकबॉक्स अपना हो गया, चेकबॉक्स के बाद अपना जो आता है वो आता है एडिटेबल। एडिटेबल क्या होता है, इनपुट के लिए अपन नॉर्मली यूज करते हैं, थोड़ा समझाता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले तो इसको मैं चेकबॉक्स ग्रुप को हटाते हैं यहाँ से साइड से, इसको हटाया और इसको भी स्टेक को भी मैं यहाँ से हटा दिया।
ठीक, अपने को क्या क्या इंपोर्ट करना है, अपने को इंपोर्ट करना है एक एडिटेबल, दूसरा अपने को क्या करना है, दूसरा अपने को करना है एडिटेबल इंपोर्ट, तीसरा अपने को क्या करना है, तीसरे अपने को एडिटेबल यहाँ पे टेक्स्ट एरिया इंपोर्ट करना है, चौथा अपने को क्या करना है, चौथा अपने को एडिटेबल प्रीव्यू, ये चार चीज़ें अपने को क्या करना था, इंपोर्ट करना था, कर लिया इंपोर्ट। अब इनका अपने को यूज करना है, तो यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपना इसके अंदर अपन लिखेंगे एडिटेबल। तो एडिटेबल अगर आप इस तरीके से लिख देते हो, इसके अंदर जैसे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, डिफ़ॉल्ट चेक नहीं, इसके अंदर कंट्रोल जेड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, इसके अंदर दे देता हूँ चक्र यूआई ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर दे दिया चक्रा यूआई ट्यूटोरियल। अब मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, जो एडिटेबल अपना प्रीव्यू था ना, इस एडिटेबल प्रीव्यू को पास कर रहा हूँ, और जो अपना एडिटेबल इनपुट था, इस एडिटेबल इनपुट को मैं यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखो चक्रा यूआई ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इसको ऊपर क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे ये क्या खुल के आ गया, ये तो अपन ने दिया ही नहीं था, ऐसा तो अपन ने कुछ नहीं किया, ना ही इसके अंदर कोई स्टाइलिंग परफॉर्म की थी, कुछ नहीं किया था, ये तो अपने पास कैसे आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज करके आप कर सकते हो चक्रा यूआई कोर्स, इंटर दबाओगे, ये देखो चक्रा यूआई कोर्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें अपनी जा चुकी हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे उसको बता दिया कि जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और एक इनपुट जैसा इसके अंदर खुल के आ जाएगा, उसकी मदद से आप इसको जितना लंबा चाहो उतना लंबे आप जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, और प्रीव्यू आप इसके अंदर देख सकते हो। अगर वैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर मैं इस प्रीव्यू को हटा देता हूँ, इम्पोर्टेंट इसकी समझना ज़रूरी है, अगर मैं इस प्रीव्यू को हटा देता हूँ, आप देखो यहाँ पे रीलोड करता हूँ मैं, और रीलोड करने पे आप देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए जो प्रीव्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी अगर आपने प्रीव्यू लगा दिया, इसके बाद आप देखोगे तो ये चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया एडिटेबल प्रीव्यू एडिटेबल इनपुट के साथ। अभी अपने को क्या करना है, टेक्स्ट एरिया के साथ देखते हैं, इनपुट के साथ तो देख लिया, इसको हटाते हैं अभी। अब एडिटेबल देखते हैं टेक्स्ट एरिया के साथ। अब टेक्स्ट एरिया के साथ देख ही रहे हैं, चलो टेक्स्ट एरिया के साथ पहले देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखो बड़ा खुल के आया, पहले छोटा खुल के आया था ना, अभी देखो बड़ा खुल के आया। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि मैं इसको पकड़ के यहाँ से नीचे खींच सकता हूँ, उसको इनपुट को नहीं खींच सकता था ऊपर नीचे, इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, कितना बड़ा भी लिख सकता हूँ, बहुत बड़ा मैसेज अगर मुझे कुछ लिख के देना है तो मैं बहुत बड़ा मैसेज कुछ भी मुझे लिख के देना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एडिटेबल प्रीव्यू टेक्स्ट एरिया और इनपुट क्या करके देता है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि जो अपने पास कस्टम इनपुट और कंट्रोल के साथ अपने पास अगर कोई इनपुट आपको लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको निकाल के देता हूँ, उससे आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसके अंदर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे यूज एडिटेबल, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज एडिटेबल लिखा, आप यहाँ पे देखो यूज एडिटेबल कंट्रोल्स नाम से सजेशन मुझे मिल चुका है, तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यूज एडिटेबल कंट्रोल्स मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे कुछ मज़ेदार करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट चार प्रॉप लूँगा एज एडिटिंग, मैंने यहाँ पे एडिटिंग नाम से इस नाम से एक प्रॉप बनाया है, दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया है गेट सबमिट बटन प्रॉप, गेट सबमिट बटन प्रॉप, तीसरा इसके अंदर मैं बताता हूँ गेट कैंसिल बटन प्रॉप मैंने इसके अंदर बनाया है, चौथा मैं इसके अंदर बना रहा हूँ गेट एडिट बटन प्रॉप। ठीक है, मैं इसके अंदर चार प्रॉप मैंने इसके अंदर डिफाइन किए हैं, और ये चारों प्रॉप अपने कहाँ से मिलेंगे, यूज एडिटेबल कंट्रोल से अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। अब क्या करना है अपने को, अब जैसे अपने को यहाँ पे जो एडिटेबल का अपन यूज कर रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे
परफॉर्म करना है। एक कंपोनेंट बनाया है ये जो एडिटेबल, मतलब जो अभी अपन प्रॉप देख रहे हैं एडिटेबल वाला, उसी की मदद से अपन ने बनाया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, उसी चीज़ को मैंने यूज किया है। मैंने एक दूसरा फंक्शन बना लिया है एडिटेबल कंट्रोल्स नाम से, उसके अंदर मैंने एज एडिटिंग गेट सबमिट एक प्रॉप, गेट कैंसल बटन, गेट एडिट बटन प्रॉप, उसको मैंने यूज एडिटेबल कंट्रोल जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इंपोर्ट किया था उसके अंदर इन सब चीज़ों को लगाया था। उसके अंदर फिर मैंने क्या किया, एज एडिटिंग मैंने बोला कि अगर एडिटिंग हुई है वहाँ पे कुछ, तो आप क्या कर दो, ए वाला खोल दो, आपके बटन ग्रुप खुल जाएगा, उसके अंदर कुछ आइकन खुल जाएंगे, चेक आइकन, और ये सारी चीज़ों को मैंने क्या किया यहाँ पे इंपोर्ट किया है ऊपर यहाँ पे एक एक चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे गेट सबमिट बटन प्रॉप और गेट कैंसिल बटन प्रॉप यहाँ पे पास किया, और आइकन यहाँ पे लगाया है मैंने क्लोज आइकन, और यहाँ पे फ्लेक्स आइकन बटन, एडिट आइकन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसके अंदर लगाई हैं। अब इसके अंदर जब अपन आते हैं तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज, जो एडिटेबल जो थोड़ी देर पहले आपने यूज किया था ना, इसके बाद एडिटेबल प्रीव्यू दिया जो अभी थोड़ी देर पहले दिया था, इनपुट को मैंने एज ए एडिटेबल इनपुट लिया है, इनपुट को लिया है ना एडिटेबल इनपुट, थोड़ी देर पहले आपको बताया था एडिटेबल कंट्रोल्स यहाँ पे लगाया, एडिटेबल कंट्रोल्स यहाँ पे ये इसको बनाया था ना, ये फंक्शन अपन ने बनाया था, इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस जगह पे मैंने कॉल किया है और यहाँ पे एडिटेबल को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो एडिटेबल का आप यूज देखना कितना अच्छा यूज होता है। अगर मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी अगर लिखना है, जैसे समथिंग अवेलेबल फॉर फ्री, तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो ये सही तरीके से इसको अरेंज होके ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, इसके बाद अगर मैं इसको सेव कर दूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ लगा के अगर मैं इसको कुछ अगर मल्टीप्लाई का साइन दबा दूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ मतलब जब अपन यहाँ पे सही का क्लिक करेंगे तभी यहाँ पे ये सेव होगा, वरना ये सेव नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा ईजी अपन जो इस प्रकार की चीज़ें जो अपन ईजिली इसके अंदर बना सकते हैं, तो इसीलिए जो है चक्रा UI बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है कि आपका एक ही फाइल के अंदर आपने केवल एक फंक्शन बनाया है, दूसरे फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर दिया, और इस तरीके से केवल दो चार आपने एडिटेबल इनपुट लगाए और वो इजीली इतना बड़ा फीचर आपका अप्लाई हो गया। तो इसीलिए चक्रा UI की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एडिटेबल जो है वो एडिटेबल किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो जो अपना फंक्शन है एडिटेबल कंट्रोल इसको हटाते हैं, दूसरा अपना एडिटेबल इसको भी हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, मैंने इतने सारे जो इंपोर्ट किए थे ना इसको एक बार में हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को इंपोर्ट करना है, सबसे पहला तो है फॉर्म कंट्रोल, दूसरा अपना क्या है, दूसरा अपना है फॉर्म लेवल, तीसरा अपना क्या है, तीसरा अपना है फॉर्म एरर मैसेज, फॉर्म एरर मैसेज, चौथा अपना क्या है, चौथा अपना है फॉर्म एरर, अगर आप यहाँ पे एरर नहीं एक्चुअल में हेल्पर, फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट, इस चीज़ को अपन को इंपोर्ट कर लेना। इन चारों के साथ अभी अपन को खेलना है। ये भी फॉर्म के सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज किए जाने वाले चीज़ें होती हैं जो आप फॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले अपन यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का, तो यहाँ पे आप लिखना है आपको फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर आपको लगा देना है यहाँ पे एक फॉर्म लेवल, फॉर्म लेवल, फॉर्म लेवल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, ओके फॉर्म लेवल हो गया। इसके बाद आपको एक इनपुट देना है, तो इनपुट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से, कहाँ से मिलेगा इनपुट आपको, इनपुट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ऊपर से वैसे मिल गया होगा, ठीक है मिल चुका है, इनपुट आपको मिल जाएगा चक्रा UI में से। इसका आप टाइप लगा सकते हैं, टाइप आपको दे देना यहाँ पे ईमेल, और इसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म का जो हेल्पर टेक्स्ट था ना वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट इसका यूज कर सकते हैं कि आप बी विल नेवर शेयर योर ईमेल। तो अभी आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज होता है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेबल, फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट, इनको क्यों यूज किया। इनपुट तो आपको मालूम है कि किसी भी फॉर्म को आप बनाओगे तो इनपुट तो चाहिए रहता है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले फॉर्म लेवल जो लिखते हो वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि
टेक्स्ट को आप क्या करोगे, सेट करोगे इधर उधर, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइलिंग है वो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलती है। आपको इसके अंदर इनपुट की आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, कलर स्कीम बदल सकते हो, कितना चौड़ा करना है, कितना लंबा करना है, वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और टेक्स्ट हेल्पर आपको क्या मदद करता है, आपकी जो थोड़ा सा नीचे आपको लिख के दे देता है कि अगर आपको यूजर को कोई चीज़ शो करानी है, जैसे आप पासवर्ड होता है, ईमेल होती है, तो इसमें उसकी यूजर की आप सिक्योरिटी लेना चाहते हैं जिससे यूजर आपके साथ जुड़ जाए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम आपकी कभी भी ईमेल आईडी को या पासवर्ड को कभी भी शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो इस चीज़ें आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इसका यूज करना है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन फॉर्म लेवल के अंदर। फॉर्म लेवल के अंदर आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ तो होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों का अपन यूज करते हैं। अब फॉर्म लेवल की जब बात आ गई है तो फॉर्म कंट्रोल को जब मैंने यहाँ पर यूज किया तो इसको मैं यूज करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि अभी अपन समझने वाले हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो के बारे में थोड़ा सा समझना आपको अच्छा रहता है, मतलब अच्छा क्या रहता है, मतलब ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे एज अगर आप इसको कर दोगे फील्ड सेट इस तरीके से, और इसके बाद जो अपने पास फॉर्म लेवल है इसको मैं कर देता हूँ एज। अगर आप HTML की तरह इसको दिखाना चाहते हैं तो आप इसको एज लेजेंड आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसके अंदर बोल सकते हो फेवरेट कैरेक्टर। अब ये वाला जो कोर्स है ना अपना चक्र UI का, इसको मैंने इसी मतलब जो मेन पर्पज़ है मेरा वो यही है कि आप इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सको, जिससे अगर जब अपन कोई भी अगर अपन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस समय आपको मन में ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि अरे मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे काम करता है। इस कोर्स के द्वारा आप ये समझ जाएंगे कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है, तो आपके लिए फिर वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो यही है इसका मेन एम। और इसके अंदर अभी आपको उनको कुछ इम्पोर्ट करना है, रेडियो ग्रुप को अपन को इम्पोर्ट करना है, तो रेडियो ग्रुप यहाँ से अपन इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। रेडियो ग्रुप इसके अंदर इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, रेडियो ग्रुप के अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसके अंदर दे देता हूँ इटाची, ठीक है। इसके अंदर अपन एक लेते हैं एच स्टैक, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ एच स्टैक, एच स्टैक आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग देते हैं, तो स्पेसिंग मैं अगर इसके अंदर दे दूं 24 पिक्सल का, और इसके अंदर कुछ रेडियो अपन को लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ रेडियो, रेडियो आपको मालूम है ऑप्शन जो होते हैं ना उनके लिए अपन क्या करते हैं रेडियो का यूज करते हैं, तो अपन ने यहाँ पे रेडियो, यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू, अरे कंट्रोल जेड, वैल्यू अपन को लिखनी है, और वैल्यू के अंदर अपन जैसे मैं इसको अंदर लिख देता हूँ सासुकी, सॉस की नहीं, अरे सासुकी, ठीक है। इसके अंदर भी अपने को क्या कर देना है सासुकी, और मैं इसको क्या कर दूंगा अभी कॉपी पेस्ट कर दूंगा 3 बार, और इसको मैं अपडेट करता हूं, इसको मैं कर देता हूं नागाटो, और इसको मैं कर देता हूं इटाची, और इसी को भी मैं यहां से भी मैं इसको अपडेट कर देता हूं नागाटो, और इसको इटाची। तो अगर इस तरीके से अपन कर देंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, पहले तो इन्होंने अच्छा अपन ने यहाँ पे रेड CO कर दिया ना, इसको अपन अपडेट करके रेडियो करते हैं। यहाँ पर भी अपने से गलती हो चुकी है, इसको भी सही कर लेते हैं, और ये ऊपर अपने पास रेडियो नहीं आया है तो इसको भी अपन इम्पोर्ट कर लेते हैं, ओके। अभी यहाँ पे रेड CO अभी कहाँ पे है, रेशियो अपने पास रेडियो रेशियो कहाँ पे है, एक बार इसको रीलोड करता हूँ देखता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। अपने पास अभी देखो इस तरीके से आ गया। अब रेडियो के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 3 में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 3 के 3 चूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि आपने एच स्टैक का यूज किया है तो ये हॉरिजॉन्टल है, वी स्टैक का यूज कर तो ये सारी चीज़ें आपको वर्टिकल वे में देखने के लिए मिल जाती। तो कहने का अर्थ इतना है सिर्फ कि आप रेडियो का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और रेडियो ग्रुप का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने इटाची कर दिया, तो क्योंकि आपने इटाची कर दिया है तो इसलिए इसके अंदर जो अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो रीलोड करने पर आप इसको देखो इटाची, अच्छा इसके अंदर मैंने इसको कैपिटल कर दिया है। इसको अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इटाची के ऊपर बाई डिफॉल्ट है, जैसे ही मैं उसको रीलोड करूँगा बाई डिफॉल्ट इटाची के ऊपर सेलेक्ट रहता है, उसके बाद अपना इस तरीके से सेट हो जाता है। तो ये अपना इस तरीके से अपन ईजिली अपन सेट कर सकते हैं। अब जो अपन ने इसको एरर मैसेज यहाँ पे जो इम्पोर्ट किया ना, इस एरर मैसेज का यूज देखते हैं कि इस फॉर्म एरर मैसेज का अपन कहाँ पे किस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। चीज़ आपको मालूम होगी कि जब भी आप किसी फॉर्म के साथ काम कर दें तो उसकी जो इनपुट फील्ड है, तो उस इनपुट फील्ड के बेस के ऊपर आपको क्या करना होता है, एरर को शो कराना होता है। तो वो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोई ना कोई यूज स्टेट लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट और यहाँ पे सेट इनपुट नाम से फील्ड ले लेता हूँ और यहाँ पे यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो अपना यूज स्टेट यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है, बाई डिफॉल्ट इसके अंदर ब्लैंक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज नाम से, इनपुट चेंज नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर एक इवेंट लिया है और इसके बाद जो सेट इनपुट था ना अपना, इस सेट इनपुट को मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसके अंदर बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, इस हैंडल इनपुट चेंज को अपन यहाँ पे किसी जगह पे कॉल कराएंगे, अभी बताऊँगा आपको। कॉन्स्ट इज एरर नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इनपुट की वैल्यू अगर खाली है तो अपन क्या कराना चाहते हैं, वैल्यू इसके अंदर डालना, मतलब बूलियन वैल्यू इसके अंदर जाएगी कि अगर खाली वैल्यू होगी तो ट्रू चला जाएगा, खाली वैल्यू नहीं होगी तो फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको अपन क्या कर रहे थे, मैं इस सबको अभी हटा देता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ यहाँ से। और इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, इस मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोड है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मैं यहाँ पे समझा दूँगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया फॉर्म कंट्रोल इज इनवैलिड होने पे अपन को क्या करना है, इज एरर को चेक करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फॉर्म लेवल दिया, ईमेल इनपुट टाइप अपने ईमेल दिया है, वैल्यू यहाँ पे इनपुट, और ऑन चेंज पे अपन क्या करा रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन का नाम चेंज हो गया, मतलब गलती हो गई, हैंडल इनपुट चेंज इस तरीके से मैंने नाम रखा है। तो ऑन चेंज पे अपन क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं। इसके बाद अपन बोल रहे हैं कि अगर एरर नहीं है, बात को समझना, अगर वहाँ पे वैल्यू फॉल्स होगी तो ये वाला टेक्स्ट अपना दिखाई देगा, और अगर वैल्यू ट्रू होगी तो अपना ये वाला टेक्स्ट दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जिस समय इनपुट अपना खाली जाएगा उस समय अपना टेक्स्ट ये वाला दिखाई देगा। और ये वाला मैसेज आप देखो फॉर्म एरर मैसेज के अंदर लिखा हुआ है, फॉर्म एरर मैसेज के अंदर लिखा हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे जाओगे अगर, तो अभी बाई डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड। जैसे ही आप इसके अंदर कुछ लिख दोगे सागर, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा इंटर द ईमेल यू विल लाइक टू रिसीव द न्यूज़लेटर ऑन, जिसके ऊपर आप न्यूज़लेटर चाहते हो, सागर लिख देता हूँ, sagar@gmail.com। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये था कि ये जो एरर वाली फील्ड थी उसको हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म एरर मैसेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और है, आपने जब भी आप रिएक्ट जीएस के साथ काम करते हैं तो एक इशू जो है बहुत ही कॉमन इशू है कि जो इज रिक्वायर्ड जो एचटीएमएल के अंदर चल जाता है ना, इसके अंदर नहीं लगता था। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं किसके साथ, आप काम कर रहे हैं चक्र यूआई के साथ, तो आपका इज रिक्वायर्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आपने यहाँ पर इज रिक्वायर्ड लगाया है तो ये डालना कंपलसरी है, ये यहाँ पे फिर वो काम करेगा ही करेगा। आप उसको इनपुट के ऊपर भी दे सकते हो, फॉर्म लेवल पे भी दे सकते हो, जहाँ पे भी आपकी इच्छा है वहाँ पे आप दे सकते हो। प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत बार धोखा मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें अपने को मिल जाती हैं, जैसे इनपुट यहाँ पे आपने इस तरीके का लगा ना, यहाँ पे इनपुट ए वाला लगाया, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मतलब बाई डिफॉल्ट इसकी भी अपने को ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में इसकी भी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। इस इनपुट को मैं हटा देता हूँ। ये था अपना नॉर्मल इनपुट। अब इसके बाद अपना दूसरा इनपुट भी अपने पास होता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर इनपुट अगर मैं लिखता हूँ तो अपने पास एक नंबर इनपुट भी होता है। नंबर इनपुट अपने को हेल्प कर देता है। नंबर इनपुट अगर आप इस तरीके से लगाओगे ना, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, अपने पास इनपुट हो चुका है, तो इम्पोर्ट होता है तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए, इसको अभी ईमेल को तो कोई मतलब नहीं बनता है, इस फॉर्म लेवल को मैं हटा देता हूँ। तो इसमें चलो एक बार रखते हैं, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ। ये जो आपने देखा अभी होगा अभी थोड़ी देर पहले,
कि यहाँ पे आप देखो जो रेड कलर का जो मार्क आ रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, मतलब ये जरूरी ही जरूरी है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। अब नंबर इनपुट के अंदर आपके पास सुविधा क्या हो जाती है, सुविधा ये हो जाती है आप यहाँ पे मैक्स पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मैक्सिमम वैल्यू 50 होनी चाहिए, मिन पास कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया 10 की मिनिमम वैल्यू 10 हो सकती है, मैक्सिमम 50 हो सकती है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। अब नंबर इनपुट तो आपने दे दिया, अब नंबर इनपुट के अंदर कुछ चीज़ें आपको पास करनी होती हैं, जैसे जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर इनपुट की जो फील्ड है उस फील्ड को मुझे यहाँ पे इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग ले लूँगा। तो अब यहाँ पे आप अगर मैं टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक काम करता हूँ, एक नीचे बॉक्स लगाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलो छोड़ो, आपको इतना तो भरोसा आप कर सकते हो मेरे ऊपर कि मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नंबर लिखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखो नंबर, केवल नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो भी टेक्स्ट अगर ई छोड़ दो, अगर आप ई को छोड़ दो, कोई भी दूसरा टेक्स्ट अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो नहीं लिख पाऊँगा। ई भी ई जो है ना वो इसलिए लिख सकते हैं अपन क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल को वो सपोर्ट करता है, इसलिए अपन उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि नंबर इनपुट का स्टेपर भी आप इसके अंदर खोल सकते हो, जैसे नंबर इंक्रीमेंट अगर आप लिखोगे ना तो नंबर इंक्रीमेंट का एक स्टेपर होता है, और इसी तरीके से अपने पास होता है नंबर डिक्रीमेंट का एक स्टेपर अपने पास होता है, तो आप यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों के स्टेपर आप खोल सकते हो। इसको खोलने से फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे देखो आप बढ़ाओगे ना तो इस तरीके से देखो वैल्यू बढ़ रही है, इनपुट के अंदर वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप यहाँ से घटाओगे वैल्यू इनपुट के अंदर वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है ना। तो इस तरीके से क्या हो रही है, चीज़ें अपने पास अप्लाई हो रही हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आपने मैक्स और मिनिमम दिया है तो इससे ज़्यादा वैल्यू इससे कम वैल्यू ये ले नहीं सकता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नंबर इनपुट आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। और जो इसकी जो लाइब्रेरी होती है ना फॉर्म की, जो बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जैसे फॉर्मिक होती है, तो फॉर्मिक के साथ भी ये प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकता है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं आइकन बटन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था बटन, जब अपने पढ़ा था ना उस समय मैंने आपको आइकन बटन के बारे में बताया था। आइकन बटन क्या करता है, आपको जो नॉर्मल अपना जो बटन होता है ना उसी बटन को वो आइकन में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको कुछ पहले भी मैंने कई बार इसको बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ आइकन बटन क्या होता है। फॉर्म कंट्रोल को अभी हटाते हैं, अभी अपने को समझना है आइकन बटन के बारे में, इसको यहाँ से डिलीट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे लेते हैं आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको यहाँ पे क्या करना है आइकन बटन इस तरीके से इसको लेना है, और इसके अंदर जो भी चीज़ आपको लगा देनी है वो आप लगा सकते हैं। जैसे इसके सबसे पहले तो आप इसके अंदर कलर स्कीम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ब्लू दे दिया, इसके बाद आप इसके अंदर एरिया लेवल दे सकते हो, एरिया लेवल के अंदर आपने बोल दिया कि इसको मुझे क्या करना है ईमेल करना है, तो ईमेल दे दिया ईमेल। इसके बाद आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हो, आइकन जो भी आपको सही लगता है, जैसे मुझे यहाँ पे ईमेल का आइकन है मेरे पास, तो मैं इस ईमेल का आइकन को लगा दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास ईमेल आइकन अपने पास इस तरीके से आ जाएगा, मतलब अपना जो एक्चुअल एम था वो एम अपना पूरा हो जाएगा, कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है आइकन बटन की मदद से आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। इसके अंदर आप वेरिएंट पास कर सकते हो, वेरिएंट आपकी बहुत हेल्प करता है यूजर को बताने के लिए, कोई डिफरेंस अगर आपको वहाँ पे शो कराना है आउटलाइन, आप इस जगह पे आउटलाइन कर दोगे तो यही चीज़ आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगी, ये आपको डिफरेंस पैदा कर सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको आइकन बटन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इनपुट के बारे में अपन देख चुके हैं कि इनपुट किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन इनपुट जो है ना वो अपना बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि इनपुट जैसे अभी तक आपने समझा बिल्कुल उसी प्रकार का है। थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ यूज स्टेट को, यहाँ पे जो अपन ने आइकन बटन देखा उसी के साथ मैं यहाँ पे इनपुट को भी ले लेता हूँ, क्योंकि इनपुट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने वाली, और एक एक करके अपन उनको भी करेंगे। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो अपने पास कंपोनेंट जितने थे अपन ने बहुत सारे कंपोनेंट इजीली पढ़ लिए हैं,
लेकिन क्योंकि अगर आपको इनके प्रॉपर्टी इनके चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होगा, फिर आप आगे जाके मुझसे बोलोगे, अगर आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हो इस चैनल पे, तो आप खुद बोलोगे कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है इसको थोड़ा डीप लेके जाऊँ। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मुझे चक्रा यूआई नहीं आती। आप ये बोलोगे हमेशा कि हाँ चक्रा यूआई मुझे आती है, जो भी चीज़ उसके अंदर करनी है मैं कर लूँगा। थोड़ा बहुत अगर कभी भूल भी गया तो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाऊँगा, वहाँ पर सर्च करूँगा और ईजिली मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है चीज़ें। अगर चीज़ें जब तक मालूम है तो उसके बारे में तभी रिसर्च कर पाओगे, तभी उसके बारे में सर्च कर पाओगे, तब आपको चीज़ें मालूम है। अगर आपको चीज़ें मालूम ही नहीं है तो फिर आप क्या सर्च कर लोगे, किस चीज़ के बारे में सर्च करोगे, है ना? पॉइंट की बात है ना, आई होप आपको पॉइंट की बात लगी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक ले लेता हूँ, इस स्टैक के अंदर ही मैं सारी चीज़ों को रखूँगा। स्टैक इंपोर्ट, एक इनपुट लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इनपुट मैंने लिया, इस इनपुट को मैंने इस तरीके से, इस इनपुट को मैंने किया चार बार, अरे इस इनपुट को मैं करता हूँ यहाँ पे चार बार कॉपी। अब इस इनपुट के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर वेरिएंट कर देता हूँ क्या आउटलाइन, ठीक है, और दूसरा वाला जो अपना है इसके अंदर नॉर्मल अपना, जो जब अपन HTML यूज करते हैं तो अपने सारे जो इनपुट हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप वेरिएंट आउटलाइन कर दोगे, दूसरा इसके अंदर अगर आप वेरिएंट फिल्ड कर दोगे, तीसरा इसके अंदर अगर आप वेरिएंट को चेंज करके आप इसके अंदर कर सकते हो फ्लस्ट, चौथा जो वेरिएंट होता है वो होता है अनस्टाइल्ड। तो चारों मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे अभी तो चार इनपुट आपको देखने के लिए मिलना है। एक काम करता हूँ, इसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर डाल देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। इसके अंदर डाल देता हूँ मैं आउटलाइन, और इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, Ctrl+Z प्लेस होल्डर क्या डाल देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ फील्ड, इस वाले के अंदर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, और क्या डालता हूँ फ्लस्ट, और जो आखिरी वाला है आखिरी वाले के अंदर जो प्लेस होल्डर इसके अंदर डाल देते हैं अनस्टाइल्ड, ओके। तो अभी अगर अपन जाएंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर आपने इस तरीके से दिया है आउटलाइन तो आपका जो बॉक्स है वो केवल बॉक्स दिखाई देगा इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल दिखाई देगा। फील्ड अगर आप दे देंगे तो आपका जो बॉक्स है वो पर्टिकुलर एक कलर के साथ दिखाई देगा। फ्लस अगर आप देख देंगे तो आप बहुत कम डिफरेंस होता है आउटलाइन और फ्लस के बीच में। अनस्टाइल के अंदर इनपुट बॉक्स आपको इनपुट बॉक्स की तरह दिखाई नहीं देगा। बेसिक डिफरेंस आपको समझाता हूँ। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आप देखो पूरा बॉक्स आ रहा है। फ्लस को कर रहा हूँ नीचे का पोर्शन आ रहा है, ऊपर का पोर्शन नहीं आ रहा है। अनस्टाइल को कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन कुछ भी कलरफुल कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अपने पास चार चीज़ें इनपुट की होती हैं। अब इनपुट केवल इतना ही नहीं है, इनपुट के अंदर और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट का लुक है ना वो बहुत ही आसान बना सकते हो। अभी जो बताने वाला हूँ ना मज़ा आ जाएगा आपको, देख के ही मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्टैक के अंदर एक चीज़ लेता हूँ इनपुट ग्रुप। इन्होंने सजेशन क्यों नहीं दिया इनपुट ग्रुप, यहाँ पे इनपुट ग्रुप नाम की एक चीज़ होती है। मैंने यहाँ पे इनपुट ग्रुप को इस तरीके से लिया, इस वाले इनपुट को मैं यहाँ से उठा के इस वाले को लेता हूँ, फील्ड वाले को, इसको मैं यहाँ से उठा के इस इनपुट के अंदर मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। तो अभी आप देखो कुछ इफेक्ट हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं देखने के लिए, कुछ भी इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन अब मिलेगा आपको देखने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ लूँगा, क्या लूँगा, इनपुट और लेफ्ट। जैसे ही मैंने इसको लिखा ये देखो इनपुट लेफ्ट एड ऑन आ गया। उस लेफ्ट एड ऑन का मदद से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर चिल्ड्रन पास कर सकते हो। आपने यहाँ पे चिल्ड्रन पास किया और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपने यहाँ पे लिख दिया +91। अगर आपने जैसे ही +91 लिखा आप यहाँ पे देखो +91 यहाँ पे लिख के आ गया और पूरा इनपुट बॉक्स आपका इस तरीके से खुल के आ चुका है। मैं इसको प्लस को चेंज करके कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इसमें से वेरिएंट हटा ही देता हूँ। तो अभी आप देखो बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है ना कि जैसे एक इनपुट बॉक्स जिसका +91 और यहाँ पे आप क्या क्या करना है, आपको नंबर बनना है। तो कितना इजी आपके लिए हो गया, मतलब आपने
इनपुट लेफ्ट एड ऑन, इसको लगाने के लिए आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे HTML के अंदर। HTML के अंदर आपको इस यही चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर आप इतना ईजिली आप इसके अंदर कर सकते हो। जो भी आपको नंबर एंटर करना है वो आप नंबर एंटर ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। अब जैसे इसी जिस प्रकार से अपने पास लेफ्ट एड ऑन था ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास राइट एड ऑन होता है। जैसे मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और इसके अंदर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने यहाँ से इसको उठाना चाहिए था इतना पूरा, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कोई ना कोई यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट लेफ्ट, तो एक काम करता हूँ इनपुट मैंने यहाँ पे राइट एड ऑन दे दिया और मैं इसको नीचे देना चाहता हूँ इसको। अभी आप देखना क्या होगा, इसके अंदर इनपुट राइट एड ऑन इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इनपुट राइट एड ऑन एरर, इसको मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसके राइट में, यहाँ पे इस साइड राइट में डॉट कॉम लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखो 91 इस साइड, यहाँ पे देखो डॉट कॉम इस साइड। तो समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है कितना ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। आप किसी वेबसाइट में, जैसे अपने डोमेन वाली वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपने बहुत ऐसा देखा होगा किस तरीके से इसको परफॉर्म करना, लेफ्ट एड ऑन हो गया, राइट एड ऑन हो गया, तो ये बहुत ही यूजफुल होती हैं ये सारी, मतलब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आपके जो एलिमेंट है वो आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे आपने इस चीज़ को देखा, अब इनको हटा देता हूँ मैं, इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए देखने में। एक काम करता हूँ, इनपुट ग्रुप को रखता हूँ, बाकी दोनों सबको हटा देता हूँ। इनपुट ग्रुप को रख लिया मैंने और बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। एक मुझे इनपुट ग्रुप और चाहिए, मैं यहाँ पे एक इनपुट ग्रुप और बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर अब, लेकिन मैं ये नहीं करने वाला कि राइट एड ऑन लेफ्ट एड ऑन लगाऊँ, नहीं। इसके अंदर अभी आप देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको राइट एड ऑन को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट, ध्यान से देखना, इनपुट लेफ्ट एलिमेंट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इनपुट लेफ्ट एलिमेंट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको देना चाहता हूँ पॉइंटर इवेंट, और पॉइंटर इवेंट के अंदर मैंने इसके अंदर दे दिया नन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बंद किया। अब लेफ्ट एलिमेंट के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखो, फ़ोन आइकन है अपने पास, इस फ़ोन आइकन को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसका मैं कुछ कलर दे देता हूँ, कलर दे दिया मैंने कुछ ग्रे और समथिंग 300 दे दिया। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखना अपना ये किस तरीके से अप्लाई हुआ है, ये देखो। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जैसे आपको मतलब यूजर को आपने कितना इजीली आपने इंडिकेट कर दिया, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस जगह पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। सेम चीज़ आप ईमेल के साथ कर सकते हैं, सेम चीज़ आप पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, सेम चीज़ आप किसी सीक्रेट आंसर के साथ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइकन आप इस तरीके से लगा सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, तो कितना ईजी हो जाएगा यूजर के लिए समझना कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन उससे चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको एक अच्छा डेवलपर आपकी वेबसाइट को एक बहुत ही बेहतर लोग आपको देने का मतलब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से मिलाने वाला हूँ, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही शानदार चीज़ से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, स्लाइडर से आपको मैं मिलाने वाला हूँ। तो स्लाइडर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज स्टेट अपन ने पहले से इंपोर्ट कर रखी है, इसके अंदर आपको वैल्यू सेट वैल्यू और जो हैंडल चेंज और सेट वैल्यू के अंदर आपको वैल्यू डाल देनी है, बस इतना सा आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें अपन यहाँ पर देख चुके हैं बस उसी चीज़ को मैं यूज करने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस स्टैक की जगह पर मैं यहाँ पर उस एक कोड को पेस्ट करता हूँ। इस कोड के अंदर बहुत ही सिंपल है, नंबर इनपुट का यूज किया है, मैक्सिमम विड्थ है इसकी 100 पिक्सल, मार्जिन राइट दिया है, वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, ऑन चेंज में मैंने हैंडल चेंज को कॉल किया और हैंडल चेंज फंक्शन में ऊपर बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर इनपुट फील्ड यूज की है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, उसके बाद नंबर इनपुट स्टेपर यूज किया है जिसके अंदर इंक्रीमेंट का स्टेपर है, डिक्रीमेंट का स्टेपर है, जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे आपने स्लाइडर नाम का कंपोनेंट यूज किया है। अब स्लाइडर तो अभी तक अपन ने इंपोर्ट ही नहीं किया, तो एक बार स्लाइडर को इंपोर्ट कर लिया जाए। स्लाइडर इंपोर्ट हो गया, ऊपर देख लेते हैं,
ठीक है, स्लाइडर अपने पास आ चुका है। तो अभी स्लाइडर आ गया, अब इसके अंदर वैल्यू फ्लेक्स बन दी है, फोकस थंब ऑन चेंज फॉल्स दिया है, वैल्यू दी है, और ऑन चेंज के ऊपर दोबारा से हैंडल चेंज को आपने कॉल किया और हैंडल चेंज अपन ऊपर बना चुके हैं। उसके बाद स्लाइडर ट्रैक आपने इंपोर्ट नहीं किया, तो एक बार मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो स्लाइडर ट्रैक हो गया, और स्लाइडर फील्ड ट्रैक इसको भी आप क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो स्लाइडर फील्ड ट्रैक भी अपने पास हो गया होगा, नहीं आया है तो एक बार इसको स्लाइडर ट्रैक को भी अपने को लेना है। तो इसके अंदर स्लाइडर फील्ड ट्रैक भी लेना है, और यहाँ पे स्लाइडर आपको ट्रैक भी ले लेना है। तो दो चीज़ें अपने को चाहिए थी और दोनों चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। स्लाइडर ट्रैक ये मैंने कैपिटल कर दिया था इसीलिए, ठीक है। इसके बाद स्लाइडर फील्ड ट्रैक, ये चीज़ एरर क्यों दिखा रही है, स्लाइडर फील्ड ट्रैक क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है। और स्लाइडर थंब भी चाहिए अपने को अभी, तो अपन यहाँ से स्लाइडर थंब भी ले लेंगे। स्लाइडर थंब अपने को इस तरीके से मिल जाएगा। तो अभी अपन चलते हैं अपने पेज पे, इसको मैं करता हूँ रीलोड। और फ्लैक्स अभी तक आपने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फ्लैक्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं क्या गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ एरर है क्या। नंबर इनपुट इज नॉट डिफाइंड, नंबर इनपुट फील्ड इज नॉट डिफाइंड, नंबर इनपुट स्टेपर और नंबर इंक्रीमेंट स्टेपर, ठीक है, इनको भी करते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, स्पेशली मेरे लिए तो हो जाता है कभी कभी कि यहाँ के इस तरीके से आपको बार बार भूल जाते हो आप। नंबर डिक्रीमेंट स्टेपर और नंबर इंक्रीमेंट स्टेपर, नंबर और नंबर क्या था मैं खुद ही भूल गया, नंबर इनपुट स्टेपर, ठीक है, नंबर इनपुट स्टेपर। तो यहाँ पे नंबर इनपुट स्टेपर, तो नंबर इनपुट स्टेपर ले लिया। अभी देखते हैं कि क्या अब भी एरर है, रीलोड करते हैं। नंबर इनपुट और नंबर इनपुट फील्ड इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो अपने पास नंबर इनपुट और इसके बाद अपने पास चाहिए अपने को नंबर इनपुट फील्ड। ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इनका मतलब भी समझ चुके हैं। अब ये देखो आपको स्लाइडर कितनी अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया। अब ये देखना कि स्लाइडर जो आपने यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसके बेस पे ये वाली इनपुट फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती घटती बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ईजी हो गया अपने लिए किसी भी इनपुट फील्ड को चूज़ करना। ऐसे एलिमेंट कहीं मिलेंगे आपको इतना इजी कोड लिख के, केवल मतलब बहुत ही छोटा कोड है, इतने कोड के मदद से आपने क्या कर लिया, पूरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पूरा सेटअप आपने इनपुट फील्ड के अंदर जमा लिया। अगर आप कभी बैकएंड के अंदर ये वाला डेटा भेजना होता तो इसी फंक्शन के अंदर अपन बैकएंड के अंदर ये वाला डेटा भेज देते और वहाँ से अपना ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से काम हो जाता है ना। तो कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप इस तरीके से चक्रा UI का यूज करके आप करते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से इसका यूज करना है। अब देखते हैं पिन इनपुट के बारे में। पिन इनपुट भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपने देखा होगा OTP आप फिल करते हैं ना, OTP, तो OTP के दौरान आप पिन इनपुट का यूज करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको हटा ही लेता हूँ, इस बार मैं इसको हटा लेता हूँ और इसको भी हटा लेता हूँ। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी कि अपन इतने छोटे कोड की मदद से इतना बड़ा फीचर अपन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। उसी चीज़ को अगर आप नॉर्मली अगर आप CSS से डिज़ाइन करोगे बहुत ज़्यादा समय आपका वो ले लेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे बहुत ईजी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। किस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, अपने को करना है पिन इनपुट को। अगर मैं यहाँ पर पिन इनपुट को अगर मैं यहाँ पर नॉन ए सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे चक्रा UI रिएक्ट नहीं किया ना, तो मैं जो पहले यहाँ पे एट द रेट चक्रा UI रिएक्ट कर देना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे करूँगा। तो पिन इनपुट को अपन को इम्पोर्ट करना है, और जो पिन इनपुट की जो फील्ड होती है इसको इम्पोर्ट करना है। ये दोनों चीज़ें अपने को इम्पोर्ट करनी थी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एच स्टैक को ले लेते हैं। तो एच स्टैक के अंदर आप क्या करेंगे, एच स्टैक के अंदर अपने को चाहिए पिन इनपुट, तो पिन इनपुट चाहिए, और पिन इनपुट के अंदर जो पिन इनपुट की फील्ड है वो अपने को चाहिए। तो आपने यहाँ पे पिन इनपुट की फील्ड ले ली। अब पिन इनपुट की फील्ड के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि आपने जैसे इसको सेल्फ क्लोजिंग बना दिया,
और इसको हटा के इसको आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जैसे चार इनपुट हैं, तो मतलब ओटीपी जो होता है ना, ओटीपी आपका इसी तरीके की इनपुट फील्ड के अंदर रखा जाए तो जाना बेटर रहता है। इसको रीलोड करता हूँ मैं, आप यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने पास बन के आ गया। ओटीपी के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे बॉक्स देखे होंगे कि जब आप ओटीपी भरते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा 1 तो ऑटोमेटिक 2 पे आ गया, ऑटोमेटिक 3 पे आ गया, ऑटोमेटिक 4 पे आ गया। तो ये चीज़ें कितनी ईजिली उसने यहाँ पे आपके लिए बना दी हैं। अभी तो आप यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से 1 2 3 4 लगा रहे हैं, वैसे अपन क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे बैकएंड के अंदर से ओटीपी आएगा, वहाँ से आप उसके कैरेक्टर आप गिन लेंगे, उस कैरेक्टर के हिसाब से उतने ज़्यादा इनपुट फील्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैप फंक्शन लगाएंगे और ईजिली सेट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन इतना ईजी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अंदर वैसे अपन एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जो आप पिन इनपुट दे रहे हैं ना, पिन इनपुट के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू है वो नंबर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है नंबर रहती है, आप इसके अंदर टाइप सेट कर सकते हो कि मुझे जो चाहिए वो अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर मैं कर दूँगा तो अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैं यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 की जगह ए भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे बी भी डाल सकता हूँ। और अगर मैं इसको टाइप नंबर कर दूँगा, टाइप अगर मैं इसको नंबर कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे रीलोड करता हूँ पहले, तो और जैसे ही मैं इसके अंदर ए डालता हूँ तो वो डल नहीं रहा, मैं इसको ए बी कुछ भी अगर डालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन नंबर डालूंगा वो ऑटोमेटिक अपना डल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर वैसे अपन एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको पर्सनली ओटीपी के लिए ही यूज करना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ओटीपी, आप केवल इतना लिख दोगे ओटीपी तो आपका काम हो जाएगा। आपके जो अगर मैं इसको रीलोड कर दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन यह है कि इसका केवल एक ही एलिमेंट इसके अंदर फिर वो डाल सकता है, एक एलिमेंट के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट वो डाल नहीं सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप उसके अंदर सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप मास्क दे सकते हो, साइज इसका मेंशन कर सकते हो, साइज नाम का प्रॉप आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे साइज इसको मैंने साइज देना था, साइज यहाँ पे मैं एक्सेस अगर कर दूंगा तो आपको मालूम है थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अपने ये जो इनपुट बॉक्स हैं वो थोड़े से अपने पास छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब इसके अंदर जैसे मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक मतलब ये मजाक टाइप का है लेकिन फिर भी देख लो, पिन इनपुट के अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं अपन, जैसे प्लेस होल्डर में अंदर आपने इस तरीके से कर दिया, आपने इस तरीके से किया, कुछ चीज़ें आपने इस तरीके से लगा दी, तो आप अभी आप देखेंगे क्या होगा, अभी यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो अपने बॉक्स के अंदर सारे दिल भरे हुए हैं, तो और अगर आप दिल की जगह कुछ और लगाना चाहते हैं, मतलब कुछ और लगाना चाहते हैं इसके अंदर, क्या हुआ ये इसके अंदर गड़बड़ हुआ, नहीं है गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, कुछ मुझसे क्लिक हो गया था। अगर आप जैसे इस तरीके से कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आप आइकन भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से पहले से उसको कुछ लिख के दिखा दो आप, और उसके बाद उसको बोल दो कि अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर दो यहाँ पे, इस तरीके से वो चेंज कर देगा। तो कितना ज़्यादा मतलब यूजर इंटरफेस की बात है ना, कि यूजर को आप कितना अच्छा एक्सपीरियंस देख सकते हो, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा तो कितना लंबे समय तक वो रुक सकता है। तो सीधा मेन पॉइंट की बात यही है कि आप कितने समय तक यूजर को आप रोक सकते हो, कितने समय तक आप यूजर को रोकना चाहते हो, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, रेंज स्लाइडर भी आपने यहाँ पे देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, फिर भी आपको एक दो चीज़ें और रह गई, उनके बारे में और समझाता हूँ किस तरीके से काम करना। चीज़ें तो आपको समझ में आने लगी होंगी किस तरीके से कौन सी चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आने लगी होंगी, इसीलिए थोड़ा सा अपन यहाँ से स्पीड को पिकअप करते हैं, है ना, स्पीड को पिकअप करेंगे और थोड़ा सा अपन अच्छी स्पीड के साथ अभी काम करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपने पास रह गई हैं। सबसे पहले अपन बैज को मैं आपको समझाता हूँ, चक्रा यूआई के अंदर आपको बैज में पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको प्रॉपर तरीके से जो बैज की जो प्रॉपर इम्पोर्टेंस है उसके साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे अपने पास होता है एक अवतार, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले इसके पास अवतार, अवतार को आपने इम्पोर्ट कर लिया, आपने यहाँ पर बॉक्स को इम्पोर्ट कर लिया, और इसके बाद अपन ने यहाँ पर टेक्स्ट को इम्पोर्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और अपने पास फ्लेक्स तो है ही अपने पास। एक काम करता हूँ, मैं इस बॉक्स अवतार और फ्लेक्स के साथ मैं आपको एक कंटेंट दिखाता हूँ, वो कंटेंट आप देख के समझ जाएंगे कि बैज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मुझे यहाँ पे बस एच स्टेप को हटा देना है,
एच स्टैक, और यहाँ से मुझे इसकी जगह पे मैं कर लेता हूँ फ्लैक्स को इंपोर्ट। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आता रहेगा, मतलब कुछ जहाँ समझ में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि आपको मतलब जो आप बैज है ना, बैज की इंपोर्टेंस कितनी जाना है। आप यहाँ पे बता सकते हैं किसी भी यूजर को कि इस यूजर, जैसे यूजर ने साइनअप किया तो उसकी किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आप वहाँ पर शो करा सकते हैं कि आपको यूजर नया है, पुराना है, 4 दिन पुराना है, 6 दिन पुराना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो बैज की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। और सिलेक्ट के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो सिलेक्ट के बारे में भी अभी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। सिलेक्ट क्या होता है, यहाँ पे अभी सिलेक्ट को भी इंपॉर्टेंस, यहाँ पे सिलेक्ट को भी आप इस तरीके से इम्पोर्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट के अंदर जिस तरीके से HTML के अंदर सिलेक्ट और ऑप्शन होता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है। इस फ्लेक्स को बंद करता हूँ मैं और सिलेक्ट और ऑप्शन को इस तरीके से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे HTML की ऑप्शन है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन इस तरीके से दिया जाता है। तो इसको अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और इसके अंदर आप स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हो। बस इतना हो जाता है कि चक्कर आई UI की, अगर आप सेलेक्ट को यूज करते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके साइज चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। आप उसके अंदर वो चेंज कर सकते हैं कि किस अगर अलग अलग प्रकार का कोई आइकन अगर आपको लगाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आइकन नाम का एक प्रॉप होता है, आइकन नाम का प्रॉप यहाँ पे पास करोगे, जो भी आपको देना है। जैसे मुझे यहाँ पे फ़ोन आइकन देना है तो मैं यहाँ पे फ़ोन आइकन इस तरीके से लगा दूंगा, तो अपना क्या हो जाएगा, फ़ोन आइकन यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जनरली फ़ोन आइकन तो कोई नहीं देता है, ड्रॉप आइकन होता है, तो ड्रॉप आइकन, वो सारे आइकन आप यहाँ पे दे सकते हो। ये सारे प्रॉप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एक कभी कभी अगर आप भूल जाए ना तो आप यहाँ पे सर्च कर लिया करो बस, और जैसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब बैज के बाद इसके अंदर आता है कार्ड, तो इसके अंदर कार्ड का समझाता हूँ आपको। पहले मैं इसको हटा देते हैं अभी सिलेक्ट वाले को, क्योंकि कार्ड जो है ना, कार्ड आप मतलब नॉर्मली हर एक वेबसाइट के अंदर आप कार्ड का यूज करते ही करते हो। इसको हटा देते हैं और कार्ड को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कार्ड के अंदर अपने को 3 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए कार्ड, दूसरा चाहिए कार्ड हेडर, तीसरा चाहिए कार्ड बॉडी, चौथा अपना चाहिए कार्ड फुटर। तो अपने पास कार्ड को जमाने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए रहती हैं, कार्ड, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर। तो अभी समझते हैं कि इनका क्या यूज है, किस तरीके से इसको समझाया बनाया जाता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर आप, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आगे आपका जो कार्ड है इसको आपको लिख देना है, और कार्ड के अंदर दूसरा आपको क्या करना है, कार्ड हेडर को लिखना है, कार्ड हेडर को आपको लिख देना है। अब कार्ड हेडर के अंदर आपने कोई ना कोई हेडिंग लिख देनी है, तो हेडिंग नाम की भी एक होती है। तो अगर आप जाओगे तो हेडिंग नाम की भी एक चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी चक्रा UI के अंदर से। ठीक है, अब हेडिंग के अंदर आपको जो भी चीज़ यहाँ पर दे देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लाइंट रिपोर्ट। ठीक है, जो भी है इसका साइज आपको रखना है, नॉर्मल साइज इसका MD होता है वो ही रखते हैं अपन, MD। इसकी कलर स्कीम अगर जो भी आपको देनी है, कलर स्कीम मैं इसकी ब्लू दे देता हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसका कार्ड इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आपने बिना स्टाइल किए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब आप इसके अंदर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इफेक्ट इसका आपको देखने के लिए मिला। अब देखते हैं कार्ड बॉडी के बारे में। कार्ड हेडर जिस जगह पे ख़त्म होता है ना, उसके बाद अपना क्या हो जाता है, कार्ड बॉडी शुरू हो जाता है। तो आपने यहाँ पे कार्ड बॉडी का लिख दिया। आप कार्ड बॉडी के अंदर जो भी आपको चीज़ अप्लाई करनी है वो आप चीज़ अप्लाई कर सकते हो, हेडिंग कर सकते हो, बॉक्स कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको करनी है वो आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉक्स को अप्लाई करवाता हूँ मुझे यहाँ पर बॉक्स, तो मुझे बॉक्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉक्स, और बॉक्स को इम्पोर्ट हो गया होगा ऊपर, और टेक्स्ट है अपने पास, तो अपने पास यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट भी इंपोर्ट हो गया होगा। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। टेक्स्ट इसके अंदर चक्रा UI के अंदर से टेक्स्ट नहीं आया, एक सेकंड, इसके अंदर से टेक्स्ट ले ही लेते हैं इस तरीके से, अभी देखते हैं। अभी देखो आपका जो क्लाइंट रिपोर्ट, आपकी हेडिंग इस तरीके से दिखाई दे रही है, समरी के अंदर आप इस तरीके से आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है। मतलब जो अपना जो कार्ड है ना, वो इस कार्ड की देखो स्टाइलिंग आप एक एक करके चेंज कर सकते हो। आप इसके अंदर साइज दे सकते हो, पैडिंग, मार्जिन, लेफ्ट, बॉटम, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लगा सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ पूरा इमेज के साथ, ये वाला एग्जाम्पल आपको एक प्रॉपर तरीके का आपको व्यू देगा कि आप किस मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कार्ड के साथ काम करते हो तब। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्ड को अभी हटा दूं और इस कार्ड की जगह ये वाला कार्ड जो मेरे पास है इसको लगा देता हूं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं जिनको इम्पोर्ट करना है। तो सबसे पहले इमेज को ले लेते हैं,
चक्रा यूआई में से। इसके बाद जो स्टैक है इसको ले लेते हैं, तो स्टैक अपना चक्रा यूआई में से मिल जाएगा। हेडिंग अपने पास है, टेक्स्ट है, स्टैक हो गया, कार्ड बॉडी है, डिवाइडर नहीं है, तो इस डिवाइडर को ले लेते हैं। डिवाइडर चक्रा यूआई में से मिल जाएगा। कार्ड फुटर अपने पास है, बटन ग्रुप नहीं है, तो बटन ग्रुप को अपन इसमें से ले लेते हैं। इसके बाद बटन भी नहीं है, तो बटन अपन यहाँ से चक्रा यूआई में से ले लेंगे। इसके बाद बस देखते हैं अभी क्या कमी है, कुछ कमी नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि प्रॉपर तरीके से अपना कितना इजीली, इतना शानदार लुकिंग कार्ड, मतलब इतना गुड लुकिंग कार्ड को बनाने में आपको कितना समय लगेगा आपको खुद मालूम है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आप चक्रा यूआई के साथ काम कर रहे हैं तो आप कितना इजीली आप इसको बिल्ड आउट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ईजिली आपने इसको बना लिया। कोड देखो आप, कोड कितना छोटा हो गया है, कोड को समझना कितना आसान हो गया। आपका पूरा जो कोड है वो ऐसा लग रहा है जैसे रिएक्ट जेएस का ओरिजिनल कोड है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि सी एस एस का कोड लिखा हुआ है या फिर इसके अंदर स्टाइलिंग वाला कोई कोड लिखा हुआ है। ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने कोई रिएक्ट जी एस के अंदर काम कर रहे हैं और रिएक्ट जी एस का आपने कोड लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। इस कार्ड की जगह अगर मैं कोई दूसरा कार्ड यूज करूँ, जैसे इस वाले कार्ड की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मेरे पास एक और कार्ड है, इस वाले कार्ड को मैं यहाँ पर लगा दूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं, ये वाला कार्ड देखो कितना शानदार लुकिंग आपको कार्ड देखने के लिए मिल गया। मतलब इस प्रकार के कार्ड आप इजीली सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डिवाइडर भी एक एलिमेंट होता है जो क्या करता है, वो आपके जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनको वो डिवाइड करता है, एक दूसरे के साथ डिवाइड करता है। आप समझते हैं टेबल के बारे में। टेबल चक्रा यूआई की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब टेबल तो आप ये समझ लो कि आप किसी कोई भी वेबसाइट बनाओगे उसके अंदर आपको टेबल तो कोई ना कोई टेबल तो आपको चाहिए रहती है, चाहे आपको प्रोडक्ट को शो कराना हो, चाहे यूजर का कोई आपको रिकॉर्ड शो कराना हो, या कोई आपको मतलब रसीद बनानी हो, कुछ बनाना हो, तो आपको जनरली आपको शो कराना ही रहता है कुछ ना कुछ टेबल आपको। एक काम करता हूँ, इस कार्ड को मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। और इसके अंदर अभी देखते हैं कुछ और है तो नहीं, कुछ और है तो इसको भी हटा देते हैं, इमेज को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। मैं इस लाइन को भी हटा देता हूं, और मैं अभी क्या करूंगा, जो टेबल है ना इस टेबल को मैं यहां पे इंपोर्ट करूंगा। अब टेबल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, टेबल होता है, टेबल हेड होता है, टेबल बॉडी होता है, टेबल फुट होता है, टी आर होता है, टी एच होता है, टी डी होता है, और टेबल कैप्शन होता है, टेबल कंटेनर होता है, ये सारी चीज़ें अपने पास होती हैं। तो आपको नॉर्मल टेबल में सबसे पहले आपको बना के दिखाता हूँ, नॉर्मल टेबल के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, टेबल कंटेनर है उसका यूज करना है, और उसके साथ आपको एक एक करके सारी चीज़ों को अप्लाई करते जाना है। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, एक कोड को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास टेबल कंटेनर नहीं है, तो पहले तो मैं यहाँ पर है टेबल कंटेनर है अपने पास, बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पे टेबल कंटेनर लिया, उसके अंदर टेबल लिया, उसके अंदर टेबल का आपने कैप्शन लिख दिया, उसके बाद टेबल हेड, ये सारी चीज़ें आपने एचटीएमएल के अंदर देखी होंगी। बस टेबल कैप्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलता है, और टेबल कैप्शन जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पीरियल टू मैटेरिक कन्वर्जन फैक्टर, तो आपका टेबल कैप्शन आपका इस जगह पर दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी शानदार गुड लुकिंग टेबल आपको बनाने में आपको ही मालूम है कितना ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन क्योंकि आप चक्रा यूआई के साथ हो तो आपको केवल आप यू फील दैट यू वर्क इन रिएक्ट जेएस, यू डोंट फील दैट यू हैव टू डिजाइन द वेबसाइट, यू जस्ट फील दैट यू आर वर्किंग, यू आर जस्ट राइटिंग रिएक्ट जेएस कोड। सो मतलब इंग्लिश में नहीं जाना है मुझे अभी, तो अभी जो कंटेंट है अपना ऐसा लगता है कि मतलब अपने को पूरा रिएक्ट जीएस के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग अपने को देता है काम करते समय कि कहाँ पे आपको टेबल हेड सेट करना है, कहाँ पे टेबल रो सेट करना है, टेबल एच कहाँ पे शो करना है, और टेबल बॉडी आपको कहाँ पे शो करना है, टेबल टी आर कहाँ पे शो करना है, टी डी कहाँ पे शो करना है। टी डी आपको मालूम है टेबल डाटा, टी एच का मतलब होता है टी हेड के बारे में आप बता रहे हैं, और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर विजन हो रहा होगा कि ये जो आपने चीज़ें दी हुई हैं वो किसके लिए हैं, टी एच की हैं, ये जो आपको इंचेस फीट यार्ड ये चीज़ें दिख रही हैं ये हैं टी डी की चीज़ें, टी डी यानी कि टेबल डेटा की चीज़ें हैं। तो इतना इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब और एक चीज़ तो आपको मालूम हो गई होगी कि जितने भी प्रॉप थे, मतलब जो स्टाइलिंग के प्रॉप थे उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। टी एच है, टी एच को अगर आपको कोई कलर देना है तो मैं यहाँ पे अगर इसको कलर देना चाहता हूँ तो मैं इसको कलर दे सकता हूँ, कि अगर मैं इसको टील कलर देना चाहता हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है मैं इसको
टील अगर 400 देना चाहता हूँ टू कन्वर्ट को, इजीली मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो जो भी कलर मुझे यहाँ पे देना है, बैकग्राउंड कलर जो भी देना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। इतना तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए अब इतना समझने के बाद, ठीक है। टेबल आप लोग को सीख लिया आपने। टेबल के बाद अपना आ जाता है कि अपने को बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं। जब भी आप काम करते हैं चक्र यूआई के साथ, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो उन्हीं बने बनाए कंपोनेंट का अपन यूज करेंगे, किस तरीके से इनके बने बनाए कंपोनेंट का अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अलर्ट के बारे में। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इनफैक्ट हटाई देता हूँ मैं। और यहाँ पर जो अपना टेबल है ना, इस टेबल को भी अपन यहाँ पर हटा देते हैं। अपने को अभी अलर्ट के बारे में पढ़ना है, तो अलर्ट के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है। अलर्ट लिया आपने, अलर्ट आइकन लिया है, अलर्ट टाइटल लिया है, और अलर्ट का डिस्क्रिप्शन, चार चीज़ें अपने के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पर रिटर्न के अंदर इस तरीके से अलर्ट का आपने यहाँ पर जो स्टेटस है ना, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये जो आपने स्टेटस आप सामने देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अलर्ट का आइकन यहाँ पे लगाना होता है। अब अलर्ट का आइकन अपने पास है नहीं, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, रिएक्ट के आइकन में से नहीं, यहाँ से अपन यहाँ से इसकी जगह से अपन निकाल लेंगे अलर्ट। अलर्ट आइकन आपको मिल जाएगा इस चक्र यूआई आइकन में से, ठीक है। तो अलर्ट है, अलर्ट आइकन है, अलर्ट का टाइटल और अलर्ट का डिस्क्रिप्शन। अभी चल के आपको दिखाता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रीलोड करता हूँ, अलर्ट आइकन इंपोर्ट अलर्ट आइकन फ्रॉम चक्र यूआई मॉड्यूल बिल्ड फेल हो चुका हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर समवेयर। ओके 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 ओके, यहाँ से अपन को हटा देना। चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से हटाएंगे तो आप देखो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, योर ब्राउजर इज आउटडेटेड, योर चक्रा एक्सपीरियंस मस्ट बी डिग्रेडेड। तो यहाँ पे अपना जो स्टेटस है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एरर की जगह अगर मैं यहाँ पर सक्सेस लिख देता हूँ, तो अपना जो लिखने का तरीका है वो देखो ग्रीन कलर का हो चुका है। तो ये जो स्टेटस आप देते हैं, वो स्टेटस आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे अगर आप स्टेटस सक्सेस की जगह अगर आप यहाँ पे वार्निंग लिख दोगे, तो आपका येलो कलर का हो जाएगा ये। और इसके बाद अगर आप इन्फो लिख दोगे, इन्फो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। और अलर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप इसके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, इसकी जाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि बहुत मतलब वेबसाइट के हर एक पॉइंट पे आपको इसको कुछ ना कुछ शो कराना होता है, यूजर को बताना रहता है कि आपने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। तो यहाँ पे आप उसको एक एक चीज़ें बता सकते हैं। यहाँ पे आप वेरिएंट बता सकते हैं, जैसे सबटल दिया तो इस तरीके से आया, और सबटल के बाद अगर मैं इसको सॉलिड देता हूँ, सॉलिड और सबटल में जाना फ़र्क नहीं होता है, सॉलिड को जिस तरीके से दिखाई देगा, मतलब कलर अपना जो प्रॉपर तरीके से निखर के आएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको दे दूँ लेफ़्ट एक्सेंट, अगर मैं दे देता हूँ, अलग अलग होते हैं, एक बार आप सर्च करोगे तो आप इजीली इसके अंदर अप्लाई करके आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से अलर्ट का आपको यूज करना है। अब अलर्ट के बाद इसके अंदर दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो इसके अंदर एक और होता है, वो होता है सर्कुलर प्रोग्रेस। सर्कुलर प्रोग्रेस भी जिस तरीके से अलर्ट होता है ना आपको शो कराने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास सर्कुलर प्रोग्रेस होता है। इसको मैं यहाँ पर अभी अलर्ट को हटा देते हैं, और जो अपने पास सर्कुलर प्रोग्रेस है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। सर्कुलर प्रोग्रेस और सर्कुलर प्रोग्रेस लेवल, दो चीज़ें अपने पास होती हैं, तो इन दोनों चीज़ों का अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर सर्कुलर प्रोग्रेस का यूज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे यहाँ पे इस जगह पे मैं मेंशन कर दूंगा सर्कुलर प्रोग्रेस, इसके अंदर कुछ वैल्यू दे दूंगा, कलर दे दूंगा, और इसकी थिकनेस मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये जो वैल्यू है ना, अगर वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है, अगर आपने यहाँ पे 90 लगा दिया, आप यहाँ पे देखो पूरा फिल हो जाएगा लगभग, और आपने इसको अगर 100 ही कर दिया तो ये पूरा ही फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हो, और किसी पर्टिकुलर आप इसके ऊपर लगा सकते हो। मतलब जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार शो कराना होता है, आपको बताना होता है यूजर को कि आपने अभी इतना काम कर दिया है। आपने कोई प्रोफाइल होता है ना, जब आप प्रोफाइल बनवाते हैं, तो प्रोफाइल के उसने 4 काम कंप्लीट कर दिए, तो आप उसको बताते हैं कि 40% प्रोफाइल अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 30% अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर बताते हो। ये जो सर्कुलर प्रोग्रेस लेवल जो आपने यूज किया था, उसको भी आप यूज कर सकते हो।
आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कुलर प्रोग्रेस को बंद कर देना है। और इसको मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया, सर्कुलर प्रोग्रेस को बंद करके यहाँ पे क्या कर देना है, सर्कुलर प्रोग्रेस लेवल लिख देना है। जैसे आप इसको लिख दोगे ना तो जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे देखो 40% लिख के आने लगा ना, यहाँ पे आप 40% जितना ऊपर है उतना आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऊपर की वैल्यू भी आप लगातार अपडेट करा सकते हो, जैसे जैसे यूजर फिल करेगा उस हिसाब से आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसके अंदर एक काम और कर सकते हो आप, जैसे अगर आपको चाहिए ये जो आपका प्रोग्रेस है वो घूमना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे एज इंटरमीडिएट इनडिटरमिनेट नाम से एक प्रॉप होता है, इस प्रॉप को जैसे ही आप पास करोगे ये देखो इसका घूमना जो है वो शुरू हो जाएगा और ये लगातार जो है वो इस तरीके से अपना घूमता रहेगा। ठीक है, अब आपने समझ लिया किसके बारे में, सर्कुलर प्रोग्रेस के बारे में। अब इसके बारे में समझते हैं प्रोग्रेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और प्रोग्रेस को अभी इम्पोर्ट करते हैं। तो प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। जिस तरीके से अपना सर्कुलर प्रोग्रेस था ना, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास प्रोग्रेस होता है। आपने प्रोग्रेस को पहले इम्पोर्ट करना है और प्रोग्रेस के अंदर आपको जो भी वैल्यू पास कर देनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस और प्रोग्रेस के अंदर इस तरीके से, और यहाँ पे आपने वैल्यू दे देनी है। वैल्यू यहाँ पे मैंने 60 दे दी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 60 दे दूंगा तो बाई डिफ़ॉल्ट अपना इस तरीके से दिखाई देगा। अब किस तरीके से इसको दिखाई देना है वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे हैच स्ट्राइप अगर आप दे दोगे तो आपका जो है वो कुछ इस तरीके से अपना दिखाई देगा। आप इसके अंदर साइज बता सकते हो कि इसका कितना साइज होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको आप एक काम कर सकते हो, इसका जो साइज है वो आप कर दो यहाँ पर LG, तो आप यहाँ पे LG कर दो। और जैसे ही आप LG कर दोगे इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड रहता है कि आपको कितनी हाइट, मतलब कितना इसका साइज रखना है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट इसकी हाइट जो है वो आप दे सकते हो। हाइट आपने दे दी 32 जैसे, तो अगर आप 32 दे दोगे ये इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना छोटा बड़ा आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसके अंदर जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है स्केलेटन। स्केलेटन बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन स्पिनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप स्पिनर यूज करते हो चक्रा UI का, तो आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प देता है। स्पिनर आपने इस तरीके से इम्पोर्ट कर लेना है और जैसे आपने प्रोग्रेस किया था बिल्कुल सेम तरीके से आपको स्पिनर का यूज करना है। आपको क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्पिनर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं ये यहाँ पे केवल इस तरीके से स्पिनर लिखना है और उसका जो भी कलर लगाना है वो कलर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये देखो स्पिनर अपना इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको इसका साइज देना है, ये साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहिए कि इसका जो साइज हो वो कितना हो, वो हो LG। तो मैं यहाँ पर LG दे दूँगा, तो LG देने से अपना जो साइज है वो थोड़ा सा अपना बड़ा हो जाएगा। और अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दे दूँगा XL, और XL देने से अपना जो साइज है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके बाद टोस्ट है। टोस्ट आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि किस तरीके से अपना जो, मतलब अलग अलग बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं जिनकी मदद से अपन टोस्ट का यूज करते हैं। जैसे रिएक्ट का हॉट टोस्ट होता है, तो वो सारे पैकेज अपन यूज करते हैं। लेकिन अभी अपने को यूज टोस्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है, अपने को यूज टोस्ट का, यूज टोस्ट इसका अपने को यूज करना है। और मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लिख देना है कॉन्स्ट और टोस्ट, इतना लिख देना है। टोस्ट इक्वल टू यूज टोस्ट, इस वाले फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले तो छोटा करता हूँ मैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इसको। सबसे पहले एक बटन को इंपोर्ट करता हूँ मैं। बटन चक्रा UI में से आपने बटन ले लिया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा देना है। जैसे एक काम करता हूँ, इसके ऑन क्लिक पे आपने बोल दिया, इसको आप बोल दिया कि इस तरीके से मुझे जो टोस्ट वाला फंक्शन है ना, उसको टोस्ट वाले फंक्शन को मुझे कॉल करना है। इसके अंदर कुछ वैल्यू आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले टोस्ट के अंदर आप टाइटल दे सकते हैं। अरे यार, इसके अंदर टाइटल, तो टाइटल के अंदर जो भी चीज़ आपको वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि दिस कोर्स इज बिकम योर इमेजिनेशन, मतलब कुछ भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, जो भी मुझे यहाँ पे टाइटल देना है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मैंने टाइटल के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं इस तरीके से देना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे जो भी चीज़ देनी है वो मैं दे सकता हूँ, जैसे चक्रा यूआई कोर्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यू आर जस्ट ऑसम। तो मैंने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके बाद आपको स्टेटस देना है। ये स्टेटस जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपने स्टेटस सही दे दिया, मतलब जैसे अगर स्टेटस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे चार स्टेटस होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे सक्सेस दे दिया तो ग्रीन कलर का आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ड्यूरेशन देनी होती है कि कितने समय के लिए रहना चाहिए। तो आप मैंने यहाँ पे कर दिया 9000। तो इसके बाद अपना एज क्लोजेबल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसको क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकता, यूजर इसको क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर आप इस तरीके से आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। और इस बटन के अंदर आप यहाँ पे आप इसके अंदर सो टोस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बटन मिलेगा, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो दिस कोर्स इज बिकम योर इमेजिनेशन, और यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सक्सेस की जगह आपको मालूम है कि अगर मैंने यहाँ पे बॉर्निंग कर दिया तो अभी ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको शो टोस्ट करूँगा कलर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी अब गई होंगी कि किस तरीके से यूज टोस्ट का अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरले। ओवरले क्या है कि जितने बने बनाए कंपोनेंट है ना, उन बने बनाए कंपोनेंट का अपन कितनी अच्छी तरीके से, और जो हुक्स होते हैं मतलब यूज जो चक्कर यूआई है उसके अंदर कुछ आपको हुक मिलते हैं, जिन हुक की मदद से आप उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हो। अपन देखने वाले हैं वो सारे कंपोनेंट जो चक्कर यूआई के अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं मतलब बने हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल यूज करना है, ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट अभी अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना जो उसके अंदर कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा अपना अलर्ट का। तो सबसे पहले इस टोस्ट वगैरह को हटाते हैं और अलर्ट को देखते हैं कि अलर्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अभी जिस तरीके से आपने इतनी सारी चीज़ों को देखा समझा जाना, तो अभी आपके लिए मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होना चाहिए। आई होप आपके लिए अब ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद आपको सब कॉमन चीज़ें लगने रहने चाहिए। यहाँ पे अलग डायलॉग बॉडी, अलग डायलॉग फिटर, रेडर, कंटेंट, ओवरले, ये सारी चीज़ों का अपने यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल की मदद से अपन इन सब चीज़ों का यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल के अंदर अपन जो यूज करने वाले हैं इसको, तो इसके अंदर एज ओपन, ऑन ओपर, ऑन क्लोज, तीन यहाँ पे अपने पास फंक्शन रहते हैं। इसको अपन को लेना है यूज डिस्क्लोजर। कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा रिएक्ट में से, ठीक है, चक्रा यूआई के रिएक्ट में से। और रिएक्ट के अंदर से यूज आरईएफ आपने यहाँ से निकाल ही लिया है। ये चीज़ अपने पास आई गई है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे एक बटन बनाना है। उस बटन के अंदर एक पूरा जो अलर्ट डायलॉग है वो आपको यहाँ पे करना है, सेट करना है मतलब। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या किया, बटन का कलर स्कीम दिया हुआ है। ऑन क्लिक पे आपको ऑन ओपन नाम का फंक्शन कॉल कर देना है। ये वाला फंक्शन आपने कॉल कर दिया। जब जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा ऑन ओपन अपना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना जो अलर्ट डायलॉग जो अपना खुल के आएगा वो आप डिजाइन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो। किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आपने एज ओपन करना है, ऑन क्लोज पे अपना क्लोज कर देना, ठीक है। और यहाँ पे लीस्ट डिस्ट्रक्टिव आरईएफ, कैंसिल आरईएफ, और यहाँ पे कैंसिल आरईएफ आपने यूज आरईएफ का यूज मदद से किया हुआ है। आरईएफ आपको मालूम है कि जो करंट स्टेट होती है ना उसके लिए आप आरईएफ का यूज करते हो, मतलब यूज आरईएफ का यूज करते हो और रिएक्ट जेएस के अंदर, ठीक है। अब अलर्ट डायलॉग के बाद अपना अलर्ट डायलॉग का ओवरले है, उसके बाद उसके अंदर का कंटेंट है और उसके अंदर का हेडर है। तो हेडर के अंदर आपने लिखा है यहाँ पे डिलीट कस्टमर। इसके बाद फिर नीचे आए अपन अलर्ट बॉडी के अंदर आपने लिखा आर यू श्योर यू कॉन्ट अंडू दिस एक्शन आफ्टर बार, ठीक है। अलर्ट डायलॉग के अंदर जो फुटर वाला सेक्शन है वहाँ पे आपने लिखा बटन और यहाँ पे कैंसिल का बटन। उसका रेफरेंस जो है वो कहाँ पे जा रहा है, कैंसिल आ रही है पे जा रहा है। ऑन क्लिक पे उसको ऑन क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद बटन अपना है कलर स्कीम रेड, ऑन क्लिक इसके भी ऑन क्लिक पे अपन को क्लोज करना है। यानी कि दो बटन है, कैंसिल और बटन, जिनके ऊपर अपना क्या हो सकता है, जो अपना अलर्ट का जो ओवरले निकल के आएगा उसको आप बंद कर सकते हो। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था। तो अभी आके चेक करते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने बोला बटन इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो बटन को आपको लेना पड़ेगा
तो बटन को ले लेते हैं, बटन आपने ले लिया, अब एक बार चेक करते हैं क्या है अभी गड़बड़, बटन नहीं मिला क्या? ओके, बटन अगर इस तरीके से नहीं मिला है तो डायरेक्ट अपने को लेना पड़ेगा, नो वरी, इसको भी अपने यहाँ से बटन को ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पे आर यू स्वेयर यू कॉन्ट अंडो दिस एक्शन कैंसल से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, और डिलीट की मदद से भी आप यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आप इतना ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अलर्ट डायलॉग अगर आपको दिखाना है तो आप कितनी ईजिली आप इसके अंदर दिखा सकते हो। अब बात करते हैं ड्रॉवर की। चक्रा यूआई के अंदर ड्रॉवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे डिलीट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीट के लिए ही कर सकते हो, ऐसा तो आप इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप इसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर, इस चीज़ को कॉमन रखते हैं यूज डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें तो अपने पास रहेंगी। जब भी इसके बने बनाए जिसके जितने भी कंपोनेंट हैं अपन उनका यूज करते हैं तो अपन को क्या चाहिए रहता है, वो सारी चीज़ें अपन को यूज करनी ही रहती हैं। तो अपन को जो यूज डिस्क्लोजर है इसका यूज अभी भी आपको करना पड़ेगा। जो अगला कंपोनेंट अपन पढ़ने वाले हैं तो वो अगला कंपोनेंट अपना रहने वाला है, इसको हटा देते हैं। अगला कंपोनेंट अपने रहने वाला है ड्रॉवर। अब ड्रॉवर क्या होता है, किस तरीके से खुलता है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और जो अपना इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉवर का जो बेसिक कोड है वो मैं यहाँ पर आपको ला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसके अंदर काम करना है। तो यहाँ से अपन ड्रॉवर का कोड ले लेते हैं और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवर सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ही बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको भी बटन को इंपोर्ट करना है। उसके बाद यूज डिस्क्लोजर फंक्शन नहीं किया होगा इंपोर्ट, तो मुझे यहाँ पर यूज डिस्क्लोजर फंक्शन, यूज डिस्क्लोजर भी लेके आना है। अभी देखते हैं, ठीक है अपने पास है सब कुछ। अभी अपन ने कैंसल आर ई एफ बनाया जरूर है, लेकिन इसको ध्यान से समझो, आर ई एफ यहाँ पे इसको अपन चेंज करके कर देते हैं बी टी एन आर ई एफ, ओके बी टी एन आर ई एफ। तो यहाँ पे बटन है, इसका रेफरेंस जो है बटन आर ई एफ पे जा रहा है। कलर स्कीम इसकी टील है, ऑन क्लिक पे इसको ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद बटन अपना इस जगह पर बंद हो जाता है, इसको अपन खोलते हैं, थोड़ा सा इसको बंद किया मैंने। तो यहाँ पर अगर बटन को पहले तो मैं खोलता हूँ, बटन अपना बंद क्यों है, ओपन नाम का यहाँ पे बटन, मतलब जो टेक्स्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है। ड्रॉवर के अंदर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लेसमेंट लगी हुई है राइट साइड की, ये जो ओपन पे तो आपको मालूम है ओपन होना है, ऑन क्लोज पे ऑन क्लोज होना है, फाइनल फोकस और पे बटन आ रही है। प्लेसमेंट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता है कि अपना जो ड्रॉवर है वो किस जगह से खुल के आना चाहिए। उसके बाद जो ड्रॉवर खुल के आएगा, जो ड्रॉवर खुल के आएगा उसके अंदर का कंटेंट आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, क्या उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। ड्रॉवर ओवरले और यहाँ पे ड्रॉवर के कंटेंट, ड्रॉवर का क्लोज बटन और यहाँ पे ड्रॉवर का हेडर, क्रिएटोर अकाउंट, इसके अंदर ड्रॉवर की बॉडी जिसके अंदर आपने इनपुट टैग दिया है, ड्रॉवर का फुटर जिसके अंदर बटन है, बटन के अंदर कैंसिल और ऑन क्लिक पर उसको क्लोज होना है, ठीक है। और एक और बटन है सेव, उसके ऊपर आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। सेव के ऊपर उन्होंने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करवाया, तो यानी कि सेव के ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। एक बार चेक करते हैं, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इनपुट अपने पास अभी नहीं है, तो एक काम करते हैं इनपुट को भी अपन ले लेते हैं, इनपुट चक्रा यूआई रिएक्ट में से अपने पास आ जाएगा। अभी देखते हैं, यूज डिस्क्लोजर इज नॉट डिफाइंड, अभी आ गया। तो अभी जैसे ही ओपन किया, आप देखो राइट साइड से यहाँ पे एक अपने पास ड्रॉवर खुल के आ गया है, और इसके सेव के ऊपर मैं कितना भी क्लिक करूँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सेव के ऊपर कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म नहीं कराया है। ये जो प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, प्लेसमेंट अगर मैं राइट की जगह केवल मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो अपना जो ड्रॉवर है वो तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से खुल के आ रहा है। इसको मैं ओपन करूँगा तो अभी ये लेफ्ट साइड से खुल के आ रहा है। इसके साइज वगैरह आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, लेकिन अभी वो वाला अपना मैटर नहीं है। साइज अपन ये वो तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, वो तो आपको समझ में आती होंगी कि जितना अपन ने चक्रा यूआई पढ़ा है तो इसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है, मार्जिन, पैडिंग, साइज, बैकग्राउंड कलर, कलर, ये सारी चीज़ें तो आप इजीली बता ही सकते हो, किसी भी एलिमेंट को आप बता सकते हो। और आप यहाँ पर बॉटम भी कर सकते हो, इसको अगर आप बॉटम कर दोगे बॉटम, तो यहाँ पे ये बॉटम से भी निकल के आ जाएगा। अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो बॉटम पे इस तरीके से भी खुल के आ सकता है। तो ये ऐसा आपने बहुत सारी वेबसाइट के अंदर देखा भी होगा कि इस तरीके के ड्रॉवर वहाँ पे इजीली खुल के आते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया ड्रॉवर के बारे में। अब बात करते हैं मेन्यू के बारे में। मेन्यू भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने चक्रा यूआई के अंदर। तो एक बार को मैं इसको हटाता हूँ,
इसको मुझे अभी हटाना पड़ेगा। और इसके बाद जो अपन ने यहाँ पे इसको बनाया है, इस बटन को, इसको भी हटा देते हैं। ये जो अपने पास पूरा ड्रॉवर है, इस ड्रॉवर को भी अपन हटा देते हैं। केवल लगते किसको है, यूज डिस्क्लोजर को अपन रखेंगे बस। और अपने पास जो मेन्यू के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो अपने पास ले लेते हैं। मेन्यू चाहिए, मेन्यू बटन, मेन्यू लिस्ट, मेन्यू आइटम ऑप्शन, मेन्यू ग्रुप, मेन्यू ऑप्शन ग्रुप और मेन्यू डिवाइडर अपने को चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, अब मेन्यू आइटम के लिए आपको बहुत ही छोटा सा कोड है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से लिख देना है। अब यहाँ पर आपको अभी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मेन्यू बटन के लिए आपको एज बटन, राइट आइकन, यहाँ पे कैबरॉन डाउन आइकन। अब कैबरॉन डाउन आइकन अपने पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट और चक्रा यूआई के आइकन में से करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट द रेट चक्रा यूआई आइकन्स। और यहाँ पर किस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, आपको करना है कैबरॉन डाउन आइकन को इम्पोर्ट करना है। ये इन्होंने एरर क्यों दिया है, ये एरर क्यों आ रहा है, चक्रा यूआई आइकन, ओके इंपोर्ट एब्रकॉन फ्रॉम, यहाँ पे जो लगाना था वो मैं भूल चुका था। तो यहाँ पे एट द रेट कीवर्ड अपन दे देंगे, इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम, मेन्यू लिस्ट, इस तरीके से आप देते हैं। सबसे पहले आपको मेन्यू टैग लगाना होता है, इसके बाद मेन्यू बटन, उसके अंदर आपने राइट आइकन दे दिया, और फिर इसके बाद आपको मेन्यू की पूरी लिस्ट बतानी होती है कि कौन कौन से आपके आइटम उसके वहाँ पे आपको शो कराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बटन नाम से यहाँ पे बोला है कि ये चीज़ अपने पास नहीं है, तो इसको बटन को अपने को लेना पड़ेगा, बटन। ठीक है, बटन अपने पास आ चुका है, अभी इसके रीलोड करते हैं। और अभी आप देखो इस तरीके से अपने पास मेन्यू आइटम इस तरीके से खुल के आ जाता है। ये मतलब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपको वेबसाइट के अंदर इस प्रकार की चीज़ें आपको यूज करनी पड़ती हैं, बहुत एक बार नहीं, आपको कई बार यूज करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की चीज़ों को बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडल के बारे में। मॉडल तो मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। जब भी आप कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो आपको चैटिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको मॉडल, ड्रॉअर, इन दोनों का तो यूज आपको करना ही करना पड़ता है। तो अभी इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, जो मॉडल है उसका यूज कर रहा हूँ। मॉडल, मॉडल ओवरले, मॉडल कंटेंट, मॉडल हेडर, मॉडल फुटर, मॉडल बॉडी और मॉडल का क्लोज बटन, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। और यहाँ पे अपन को दो चीज़ें और इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर यूज डिस्क्लोजर अपने को इम्पोर्ट करना है, जो अपन काफ़ी बार देख चुके हैं, और बस बाकी का अपने पास वही है, बटन अपने को इम्पोर्ट करना है। तो अपन यहाँ पर बटन को भी इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें अपने पास इंपोर्ट करनी थी। और बाकी का अपन जो मॉडल है, उस मॉडल का अपन यहाँ पे सेटअप बनाते हैं। तो मॉडल का आपको क्या करना है, इस पूरे मेन्यू को आप यहाँ से हटा सकते हैं, और मेन्यू की जगह पे जो पूरा मॉडल है वहाँ पे आप इजीली अप्लाई करवा सकते हो, और यहाँ पे इसको आप ओपन कर सकते हो। अभी तो अभी आप यहाँ पर जाओगे, पहले तो आप यहाँ पर जाके देखते हैं, एरर है, तो लॉरेम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर दिया है लॉरेम, लॉरेम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे आपने बटन खोला, बटन के अंदर ओपन मॉडल, ऑन क्लिक पे ऑन ओपन, एज ओपन पे यहाँ पे एज ओपन चालू कर देना है, और ऑन क्लोज पे आपको क्लोज कर देना है मॉडल। मॉडल का कंटेंट है, मॉडल का टाइटल है, और मॉडल का क्लोज बटन वहाँ पे फिर लगाया गया है। मॉडल की बॉडी के अंदर लॉरेम ऑन टू, अच्छा लॉरेम अपन ने इम्पोर्ट नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इसके अंदर में लॉरेम, लॉरेम मुझे चाहिए चक्रा यूआई से, तो मुझे लॉरेम इस तरीके से तो नहीं मिलेगा। हेलो आ रही है, मैं इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसको मुझे, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि अगर मुझे लॉरेम अगर मिल जाता है, एक बार चेक करते हैं कि क्या अभी ये काम कर रहा है, रीलोड करते हैं। तो लॉरेम जो है वो चक्रा यूआई के रिएक्ट के अंदर से अपने को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, और यहाँ से इस लॉरेम को भी अपन यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे कोई अपन पैराग्राफ टैग डाल देंगे, और यहाँ पे कोई अपन रैंडम सा चीज़ अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि मॉडल की बॉडी है, जो भी आपको शो कराना है वो आप करा सकते हो। मॉडल का फुटर आप, बटन दिया आपने ऑन क्लोज पे, इसको ऑन क्लिक पे इसको ऑन क्लोज कर रहे हैं, यानी कि बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को शो करा सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का मॉडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्लोज करो, क्लोज हो गया।
तो इस प्रकार के मॉडल आपको इस तरीके से चीज़ें आना आपको बहुत जाना जरूरी है। मॉडल तो मतलब मॉडल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, बस आप मॉडल लिख देना चक्रा यूआई पे जाके, हर प्रकार का आपको मॉडल मिलेगा कि आपको बैकग्राउंड जिसके अंदर ब्लर करना है और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपको ये थीम चेंज करनी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉडल के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं उसके अंदर, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके बाद पॉप पावर की। पॉप पावर भी अपना इसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से अपना मॉडल काम करता है लगभग उसी तरीके से करता है, बस इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। इसके अंदर बटन को सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, इस बटन यहाँ पे जो अपना मॉडल है, इस मॉडल को यहाँ से अपना पूरा इसको हटाते हैं अपन, और जो चक्रा यूआई रिएक्ट था इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पे पॉप ओवर ले लिया, पॉप ओवर ट्रिगर, पॉप ओवर कंटेंट, पॉप ओवर हेडर, पॉप ओवर बॉडी, पॉप ओवर फुटर, पॉप ओवर एरो, पॉप ओवर क्लोज बटन और पॉप ओवर एंकर, ये सारी चीज़ें आपने इंपोर्ट कर ली। इसको इंपोर्ट करने के बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न के अंदर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। आपको क्या करना है, पॉप ओवर और पॉप ओवर ट्रिगर दोनों को ही इंपोर्ट कर लेना है। पॉप ओवर ट्रिगर, इसके अंदर बटन लगाया जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा हुआ है, अब अपने पास यहाँ पे बटन होगा नहीं, तो अपन यहाँ पे बटन का यूज कर लेते हैं, बटन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉप ओवर कंटेंट, पॉप ओवर जो पॉप होगा उसके अंदर क्या कंटेंट आपको शो कराना है, उसके बाद पॉप ओवर का एरो, पॉप ओवर क्लोज बटन दिया आपने, हेडर दिया है, पॉप ओवर की बॉडी दी है, मतलब जो पॉप होने वाला है उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो अभी आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे यूज डिस्क्लोजर इज नॉट डिफाइन ऐसा यहाँ पे बोला गया है, तो यूज डिस्क्लोजर यहाँ पे जो ओपन वगैरह तो अपन ने कॉल ही नहीं किया ना, तो यहाँ पे यूज डिस्क्लोजर की अपन को ज़रूरत ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे जाओगे तो इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रिगर के ऊपर मैं क्लिक करूँगे तो इस तरीके से अपना खुल के आ जाएगा। तो पॉप ओवर कुछ इस तरीके से अपना काम करता है। आर यू श्योर यू वांट टू हैव दैट मिल्क शेक, और मतलब जो भी आपको यहाँ पे लगाना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार के अगर आप ये जनरली अपन किसी वेबसाइट के अंदर अप्लाई करते हैं कि जब आपको इस प्रकार का कोई यूजर्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उस ऑपरेशन पे आपको उसको कन्फर्म वैलिडेशन या कुछ पूछना होता है, तो आप इस प्रकार से आप उसको पॉप ओवर आप उसको शो कराते हैं। ठीक है, पॉप ओवर के बाद अपना जो आता है वो अपना आता है टूल टिप। टूल टिप भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जनरली इसको आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब हर एक ऑलमोस्ट जितने भी ड्रॉप डाउन वेबसाइट होती है ना, उन सब के अंदर आप टूल टिप का यूज करते ही करते हो, और टूल टिप को यूज करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ कठिन जैसा कुछ होता हो, आप डायरेक्ट इसके अंदर टूल टिप का यूज कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। बस इस पॉप ओवर को अभी अपने को हटा देना है, और इसके अंदर आपको अगर टूल टिप का यूज करना है तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इसको यहाँ पे आपको टूल टिप लिख देना है, और टूल टिप लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होवर मी, और टूल टिप के अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसके अंदर लेबल देते हैं, आप इसके अंदर देते हैं लेबल, और लेबल के अंदर आप जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप मैंने यहाँ पे लिखता हूँ हे दिस इज सिंपली जे एस बाई टी चैनल, ओके। इसके बाद अपन क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे फिर इसके बाद एरिया लेवल दे देनी है, एरिया लेवल के अंदर अपन क्या कर देंगे, मैंने आपको बोल देता हूँ ये अपना टूल टिप है। ठीक है, ये चीज़ आपने इस तरीके से दी है, अब यहाँ पे देखना इसका किस तरीके से इफेक्ट होगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर ओवर करूँगा हे दिस इज सिंपली जे एस यूट्यूब चैनल, तो आप इस तरीके से टूल टिप का यूज कर सकते हो कि जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से उसको होवर करने पे, मतलब ये जनरली आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे आप कुछ जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट के ऊपर जैसे ही आप होवर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ इसके अंदर आप ये वाला काम आपको परफॉर्म करना है, तो आपको प्रॉपर एक्शन यूजर वहाँ से ले सकता है, उसके ऊपर वो कोई गलती नहीं करेगा, उसको किसी दूसरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर आएगा और आप उसको एक बार इन्फॉर्मेशन दोगे कि इसकी मदद से ये करना है, इसकी मदद से ये करना है, तो वो ईजिली वहाँ पर आगे कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अकॉर्डियन की। अकॉर्डियन बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, अकॉर्डियन आपको मालूम होगा कि किस तरीके से काम करता है, अगर नहीं है मालूम मैं अभी आपको सब करके दिखाता हूँ क्या होता है।
अकॉर्डियन आप इस तरीके से, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं अकॉर्डियन, अकॉर्डियन आइटम, बटन, पैनल, आइकन। और अकॉर्डियन को आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ। इस रिटर्न के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चाहिए अकॉर्डियन, सबसे पहला यहाँ पे अकॉर्डियन, अकॉर्डियन आइटम चाहिए, फिर अकॉर्डियन बटन दिया आपने, एक बॉक्स लिया है, इसके अंदर सेक्शन बन गया टाइटल। दूसरा आपने फिर से आपने यहाँ पे अकॉर्डियन पैनल, यहाँ पे और अकॉर्डियन पैनल के अंदर कंटेंट लिख दिया जो भी आपको लिखना था। इसके बाद दूसरा है अकॉर्डियन आइटम, मतलब मल्टीपल अकॉर्डियन आइटम आप लगाए हैं आपने, तो यहाँ पे चलते हैं, पहले तो देखते हैं क्या एरर है। बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो सबसे ऊपर जाके सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बॉक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। आप देखो एक दूसरा वाला चालू करते हैं, पहला वाला अपना बंद हो जाता है, पहला वाला चालू करते हैं इस तरीके से, तो दोनों चीज़ें अपनी होती हैं। मतलब अकॉर्डियन आपने काफ़ी वेबसाइट के अंदर देखा होगा, बोलते हैं ना कि अपने वेबसाइट के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको डालने होते हैं कि जो यूजर के मन में बाय डिफॉल्ट रहते हैं, कि आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है कि जहाँ पे आप कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे आपने वेबसाइट डिजाइन करने की कोई सर्विस देने के लिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पे यूजर के मन में क्वेश्चन रहेगा कि आप SEO वाली सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन और उनके आंसर आप बाई डिफॉल्ट एक टूल टिप, मतलब ये अकॉर्डियन के अंदर डाल सकते हैं, जिससे यूजर को पहले से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे जो आंसर, मुझे मेरे मन में जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं, मैं इनको पढ़ के समझ सकता हूँ कि हाँ मेरे लिए वेबसाइट वैलिड है या नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। अकॉर्डियन के अंदर दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, दो तीन प्रॉप होते हैं जिनको अपन यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये आप थोड़ा थोड़ा आप समझोगे, मतलब जैसे जैसे आप इसको इसके साथ आप काम करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे अकॉर्डियन के अंदर ही एक चीज़ होती है कि यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अलाउ टोगल, यहाँ पर अलाउ टोगल आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आप इस तरीके से कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, मतलब बंद खाली, पहले अगर आप करने की कोशिश करते तो पहले आप नहीं कर सकते थे। अगर मैं इसको हटा दूं, इसके बाद अगर मैं इसको कोशिश करूँगा तो आप यहाँ पे देखो ओपन तो कर सकता हूँ पर क्लोज नहीं होगा। तो ये चीज़ें अपने पास रहती हैं, इसको अपन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप इसकी नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन मतलब नॉर्मली होता है जिस तरीके से अपन नेबलिंग के साथ करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अवतार में आपको बता चुका हूँ कि अवतार को किस तरीके से इंपोर्ट करना है और उसके अंदर चीज़ें अप्लाई करनी है। आइकन भी मैंने आपको बता ही दिया है, चक्रा UI के आइकन को किस तरीके से आपको यूज करना है। थर्ड पार्टी अगर कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इमेज भी मैंने आपको बता दिया है कि इमेज का किस तरीके से यूज करना है। तो अगर आप यहाँ पे चक्रा UI की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाओगे यहाँ पे, तो चक्रा UI के अंदर जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, स्टाइल सिस्टम मैंने आपको पूरा बताया है। उसके बाद अगर कंपोनेंट में आप आओगे तो कंपोनेंट के अंदर ही मैंने एस्पेक्ट रेशियो से लेके पूरा हर एक चीज़ को मैंने डिटेल के अंदर कवर किया है। टाइपोग्राफी, ओवरले, डिस्क्लोजर, अकॉर्डियन, टैब, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और यहाँ पे अवतार, आइकन, इमेज, क्लोज बटन, पोर्टल, शो हाइड, जरूर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि शो और जो हाइड है वो थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा समझा देता हूँ शो और हाइड क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले यहाँ पर कॉपी करेंगे अपन, और कॉपी करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिल्ड कर देंगे। क्योंकि आपको क्या है कि जब भी आपको कोई कम, मतलब ऐसा कोई रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको बनाना होता है तो वहाँ पे आप बार बार इस तरीके से क्यों करेंगे कि मुझे इस डिवाइस पे, मतलब इस पोजीशन पे जाके मुझे इसको शो करना है, इसको हाइड करना है। उस चीज़ को आप यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हो, करके दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आप शो और हाइड का यूज करोगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको शो हाइड को इंपोर्ट कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं एक क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे शो किया आपने कि SM के ऊपर हो तो यहाँ पर इस बॉक्स को शो करना है, दिस टेक्स्ट अपीयर एट द SM वैल्यू, हाइड करना है बिलो MD के जैसे ही नीचे पहुँचे तो इस टेक्स्ट को अपन को हाइड कर देना। तो अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे अगर अपने React App के अंदर, तो यहाँ पे बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, तो अपने को बॉक्स चाहिए, तो अपन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉक्स, तो अपने पास बॉक्स आ गया है। तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप, मैं इसको अगर राइट क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट पे, इसको व्यू सोर्स कोड नहीं करना था मुझे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना था। आप यहाँ पे देखो केवल एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ दोनों टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर एक सिंगल डबल, तो शो और हाइड आपकी हेल्प करता है कि किस पॉइंट पे आपको दिखाना है और किस पॉइंट पे आपको नहीं दिखाना है।
मतलब पूरी आपकी रिस्पॉन्सिव डिजाइन आप देखो चक्रा यूआई की मदद मतलब से कितना ज़्यादा इजी होता जा रहा है। सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एरे मिल गया, वहाँ पे आप उसका पोजीशन दे सकते हो कि कब कॉलम के फॉर्म में दिखाना है, कब रो के फॉर्म में दिखाना है। उसके बाद आपको इस प्रकार के कंपोनेंट मिल रहे हैं शो और हाइड के, कि इसके ऊपर ये वाला कंपोनेंट दिखाओ, इसके वाला इसके ऊपर ये वाला कंपोनेंट मत दिखाओ। तो इतनी फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेंगी, किस जगह पे आपको मिलेंगी। एबब और ब्लू नाम के बस प्रॉप आपको पास करने हैं, बाकी सारी चीज़ें आप इसके अंदर बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए चक्रा यूआई का, कि जब भी आप चक्रा यूआई का यूज करते हो तो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना चक्रा यूआई का कंप्लीट ट्यूटोरियल। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर सकते हो। अब इसके अंदर हुक्स ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि हुक्स मतलब हुक्स को मैंने कवर किया, लेकिन हुक्स को मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि मोस्टली इतनी चीज़ें आपके बिगिनर लेवल या आप बोलो इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी बहुत इनफ से ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना यूज मीडिया क्वेरी ये वाली, ये आपकी थोड़ा सा अलग लेवल पे यूज होती हैं। कभी आप मतलब कभी अगर फुर्सत में होंगे तो अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि इसको थोड़ा एडवांस आप लेके जाओ, तो अब मैं पर्टिकुलर एडवांस यहाँ पे चक्रा यूआई का एक अलग से कोर्स निकाल दूंगा। और ये सारी चीज़ें तो फिर आपको मालूम है कि फिगमा का जो डिज़ाइन है उसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो चक्रा यूआई के अंदर। इनकी कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप इसकी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, डिस्कॉर्ड है, इनका गेटहब है, इनका यूट्यूब है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनका डिस्कॉर्ड अगर आप ज्वाइन भी कर सकते हो, अगर आपको डिस्कॉर्ड इनका ज्वाइन करना है तो। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट है तो मैंने बता ही दिया कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।